हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मायसेल्फ देवेश कुमार एंड आई एम टीचिंग यू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, बहुत कम स्टूडेंट्स ऑनलाइन है अभी। कोई ग्रुप हो तो उसमें मैसेज कीजिए जल्दी से, नहीं जो लेट आएंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगा, है ना। सो लास्ट क्लास में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, दैट वॉज हाईवे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, सेकंड चैप्टर। अगला चैप्टर लिखना हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वेइंग। ओके, तो जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अलाइनमेंट। ओके, तो अलाइनमेंट क्या होता है? वो लोकेशंस हम डिसाइड करते हैं जिनको कनेक्ट करते हुए कोई रोड पास होगा, है ना। सेंट्रल लाइन ऑफ रोड किन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगा ये डिसाइड करना इज नोन एज अलाइनमेंट। जैसे ये रोड, मान लीजिए यहां से यहां तक रोड बनना है, तो इसकी सेंटर लाइन कौन सी होगी? ये वाली, है ना। तो किन किन लोकेशन से ये सेंटर लाइन पास होगी ये डिसाइड करना, इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। ओके, तो सिंपल सी डेफिनेशन हो जाती है। तो हेडिंग लिखना सबसे पहले अलाइनमेंट। और इसमें पहला पॉइंट इसकी डेफिनेशन, डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स बोल दीजिए या बोल दीजिए लोकेशंस या प्लेसेस बोल दीजिए, है ना। डिटरमाइनिंग द पॉइंट्स थ्रू विच द सेंटर लाइन ऑफ रोड पासेज। इज कॉल्ड अलाइनमेंट। इज इट क्लियर और नॉट? उन लोकेशंस को हम डिसाइड करते हैं कि जिन लोकेशंस को कनेक्ट करते हैं रोड पास होगा, ये डिसाइड करना ही इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। ओके, नोट कीजिए इसे और कोई डाउट तो पूछिए। ओके, डन। नोट किया सभी ने? ओके, अब कुछ फैक्टर्स है, मतलब कुछ बातें हैं जिनको हम ध्यान रखते हैं, है ना, जब हम अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं। रिपीट करूं, हमने बोला कि रोड की सेंटर लाइन जो होगी किन किन लोकेशंस को किन किन प्लेसेज को कनेक्ट करते हुए पास होगी, है ना, ये डिसाइड करना इसे हम बोलते हैं अलाइनमेंट करना। ठीक है, सिंपल सा हमने अलाइनमेंट का डेफिनेशन डिस्कस किया है। अब कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अलाइनमेंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट द फॉलोइंग फैक्टर्स आर considered while deciding the alignment. कौन कौन से फैक्टर्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। पहला हम ये बोलेंगे
कि मान लीजिए कि ए पॉइंट से इस प्लेस पॉइंट बी तक है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रोड बनानी हमें, तो कोशिश हमारी ये होगी कि जहाँ तक हो सके रोड स्ट्रेट हो, ठीक है, जहाँ तक पॉसिबल हो रोड स्ट्रेट हो। इससे क्या होगा कि अगर एकदम स्ट्रेट रोड से हमने कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर दी तो लेंथ जो होगी रोड की दैट विल बी मिनिमम, है ना, ठीक है, स्ट्रेट अगर रोड बना दिया तो उसकी लेंथ मिनिमम होगी, फाइन। अगर रोड ऐसे बनाते तो इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाती ना, बफरिंग हो रहा है तो आप एक बार रीलोड कर लीजिए, आई थिंक क्लियर हो, उसको सही हो जाएगा वो। ओके तो जहां तक पॉसिबल हो स्ट्रेट रोड होना चाहिए। इससे क्या होगा कि लेंथ ऑफ रोड मिनिमम हो जाएगी, लेंथ मिनिमम होगी तो एक चीज सोचिए कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम होगी। और ऐसा तो है नहीं कि एक बार रोड बना दिया, कुछ ईयर्स में उसकी मेंटेनेंस भी होती है, टॉप सरफेस वापस हम बिछाते हैं, है ना, तो बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट जो होगी ना वो भी कम हो जाएगी। मतलब जहां तक पॉसिबल हो स्ट्रेट रोड हम बनाएंगे। इस केस में क्या होगा कि रोड अगर स्ट्रेट होगा तो लेंथ ऑफ रोड मिनिमम होगी, मिनिमम होगी तो उससे कंस्ट्रक्शन एज वेल एज आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है दैट विल बी रिड्यूस, दैट विल बी मिनिमम। ओके लेकिन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम रोड को स्ट्रेट पाथ से डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है ना, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है तो हम फिर रोड को यहाँ से बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट लोकेशंस मैंने पहले के चैप्टर में डिस्कस की थी, ठीक है। एक फैक्टर तो ये हो गया कि रोड की लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, शॉर्ट लेंथ का रोड होना चाहिए, इससे कॉस्ट रिड्यूस होगी, इकोनॉमिकल होगा। सेकंड, जब हम अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं है ना, मतलब हम लोकेशन से डिसाइड करते हैं कि कहाँ से रोड पास होगा, तो हम ऐसी लोकेशन को अवॉइड करते हैं जहाँ पर नदी नाला कुछ हो, है ना, ठीक है, नदी नाला हो या रेलवे ट्रैक हो। क्यों अवॉइड करेंगे, मान लीजिए कि नाला जा रहा था है ना, पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं अलाइनमेंट यहाँ से फाइनलाइज करता हूँ, मैं रोड यहाँ से बनाना चाहता हूँ, तो जहाँ पर ये स्ट्रीम बह रही है ना, या रिवर वगैरह जो भी है, या रेलवे ट्रैक भी हो सकता है, तो वहाँ पे मुझे कुछ यहाँ पे ब्रिज वगैरह बनाना पड़ेगा, है ना, ब्रिज वगैरह बनाना पड़ेगा। तो जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं रोड के साथ में, उनकी कॉस्ट भी जो रोड का प्रोजेक्ट होता है उसकी कॉस्ट में ऐड होती है, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो बढ़ गई, है ना। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसी लोकेशंस को अवॉइड करेंगे जहाँ पे कोई स्ट्रीम हो, है ना, रेलवे ट्रैक हो, ये सारी चीज़ें। रेलवे ट्रैक होगा तो वहाँ पे हमें कुछ सेटअप प्रोवाइड करना पड़ेगा, रेलवे क्रॉसिंग हमें प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। रेलवे क्रॉसिंग अगर हम प्रोवाइड नहीं करना चाहते तो अंडरपास, फ्लाईओवर कुछ तो प्रोवाइड करना होगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट, सेकेंड पॉइंट बताइए। ओके फिर नेक्स्ट पॉइंट, हम ये अवॉइड करेंगे कि जो हम अलाइनमेंट डिसाइड कर रहे हैं ना कि रोड कहाँ से जाएगा, जब ये हम डिसाइड करते हैं तो हम ये चीज़ अवॉइड करते हैं कि रोड किसी एग्रीकल्चरल लैंड से पास हो या फॉरेस्ट से पास हो। हम ये अवॉइड करेंगे अगर पॉसिबल हो तो, है ना, एग्रीकल्चरल लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे, और आपको पता होगा, प्रैक्टिकली आप देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे न्यूज़पेपर्स में, रिवर होगी तो फिर भी रोड तो बनाना ही पड़ेगा ना। अरे यार, या तो तुम लेट आए हो, है ना, वापस सुनो क्या बोला मैंने, कि यहाँ से यहाँ तक रोड बनाना था, ए से बी तक, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई नाला ऐसे बह रहा है, ओके, तो ये ऐसे स्ट्रीम बह रही थी, इधर से कि ये स्ट्रीम आ रही है, तो मैं अवॉइड करूंगा कि यहाँ से मैं रोड को पास करूँ। मान लीजिए आपको इम्पोर्टेंट लोकेशन थे, हम कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से अगर रोड बनाऊंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ब्रिज वगैरह कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो मैं अवॉइड कर दूंगा ना इसको, मैं यहाँ से रोड बना दूंगा, ठीक है। हम कोशिश ये करते हैं कि ऐसी स्ट्रीम्स को अवॉइड कर सके, इंटरसेक्शन को अवॉइड कर सके, वहाँ पर हमें एडिशनल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने होंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना। तो वही मैंने बोला कि अवॉइड करेंगे अगर पॉसिबल हो, जहां तक पॉसिबल हम अवॉइड करते हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, यह रोड को बहुत ज्यादा डाइवर्ट करके लाना पड़ रहा है ना, पता लगा कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट करके लाना पड़ रहा है। एक तो देखो, ये लोकेशन थी, ऐसे बी तक रोड बनाना है, और ये स्ट्रीम जा रही है ऐसे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा रोड को घुमा के लाएंगे हम, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है, फिर तो हमें रोड बनाना ही पड़ेगा यहाँ पे, है ना। ये मान लीजिए रेलवे ट्रैक है, स्ट्रीम है, तो फिर हमें तो रोड बनाना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डाइवर्ट करके लेंगे
फिर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस कॉस्ट तो वैसे बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। लेकिन जहां तक पॉसिबल हो, अगर ऐसा हो सकता है कि रोड को हम थोड़ा डाइवर्ट करके और फिर विदाउट प्रोवाइडिंग एडिशनल स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब रोड कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना, तो ठीक है हम वैसा कर लेते हैं। ओके फिर नेक्स्ट तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि जब हम अलाइनमेंट को डिसाइड करते हैं तब एग्रीकल्चरल लैंड और जो फॉरेस्ट लैंड है उनको हम अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? मान लीजिए आपने अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं कि यहां से यहां तक रोड बनेगी और यहाँ पे कोई खेती वाली जमीन आ रही है, एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पर, तो किसानों से जब वो जमीन हम लेते हैं तो उनको कुछ कंपनसेशन, कुछ मुआवजा देना होता है। जो कंपनसेशन कॉस्ट है ना, वो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट में ही एड होती है। फाइन, जहां से फ्लो कम हो वहां से रोड पास करवा देंगे ना। फ्लो कम होगा तो वहां पानी में गाड़ी थोड़ी चला लोगे यार। फ्लो कम होगा तो पानी में गाड़ी थोड़ी चला लोगे, आपको ब्रिज स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, आपको ब्रिज तो प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो कॉस्ट तो बढ़ी गई ना। ठीक है, या तो हम टोटली अवॉइड करेंगे कि उस बीच में कोई नदी नाला आए नहीं, है ना। अगर ऐसा वो अवॉइड हो पा रहा है प्रैक्टिकली तो ठीक है, और अवॉइड नहीं हो पा रहा तो फिर वो तो करना ही हमें, ठीक है, ब्रिज कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा वहां पे, है ना। लेकिन हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि हमें ऐसी सिचुएशन को एनकाउंटर करें ही नहीं, ऐसी सिचुएशन आई नहीं। अगर अलाइनमेंट को हम थोड़ा डाइवर्ट करके स्ट्रीम को अवॉइड कर सकते हैं ना, है ना, तो फिर ऐसा करेंगे। ओके एग्रीकल्चरल लैंड को हम अवॉइड करेंगे अलाइनमेंट डिसाइड करेंगे। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो, जल्दी बोलो। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो बढ़ेगा कुछ भी हो, ऐसे कैसे बढ़ेगा यार। एक चीज ये बताओ, मुझे रोड ए से बी तक बनानी है, एक अलाइनमेंट में एक पॉसिबिलिटी मेरे पास, पॉसिबिलिटी नंबर वन। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां से रोड बना दो, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि एक यहां पे कोई स्ट्रीम है, कोई छोटा सा पॉन्ड वगैरह मान लो, कुछ छोटी सी स्ट्रीम मान लो, ठीक है। अगर मैं ये ऑप्शन नंबर टू चूज करता हूं तो यहां पे स्ट्रीम के ऊपर से रोड जा रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पे हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा, और ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रोड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये सेकंड वाले केस में क्या होगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर देखो, ए से बी तक अगर ऑप्शन वन मैंने चूज किया तो उस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में कोई ब्रिज आ नहीं रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रीम एनकाउंटर हो नहीं रही, तो फिर उस केस में क्या होगा, कॉस्ट कम होगी। तो कॉस्ट कैसे बढ़ेगी भाई, जब ब्रिज प्रोवाइड करोगे तो उसमें कंपैरेटिवली कॉस्ट ज्यादा होगी। आई थिंक क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस, द विड्थ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग नागपुर रोड प्लान फॉर्मूला वर प्रिपेयर्ड बाय अज्यूमिंग। यार ये चीज डिस्कस की है मैंने, है ना, इंपॉर्टेंट करवा के मैंने स्टार लगा के लिखवाया आपको, ठीक है, नोट्स में देखो आप, ठीक है। फिर भी दिक्कत हो तो क्लास के लास्ट में मेरे से नंबर ले लेना, है ना, ये सब कुछ लिखवाया मैंने। मैंने बोला ना क्लास नोट से बाहर कोई पॉइंट नहीं होगा, या तो आपने क्लास मिस की है या आपने ढंग से पढ़ा नहीं। क्लास नोट्स में इंपॉर्टेंट करके लिखवाया है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा आपने, ठीक है। तो आप या तो क्लास के बाद मेरे नंबर ले लेना, कुछ डाउट तो आप वहां पे बात कर लेना। ओके तो देखिए, तीसरा पॉइंट जो होता ना, एग्रीकल्चरल लैंड को हम अवॉइड करेंगे। अगर बीच में एग्रीकल्चरल लैंड आ रहा है रोड के लिए, हमें वो लेना पड़ रहा है, तो किसानों को हम मुआवजा देते, कंपनसेशन देते हैं, उससे क्या होगा, कंपनसेशन कॉस्ट भी हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड होता है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बढ़ जाएगा, इसलिए हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने बोला कि हम अवॉइड करेंगे कि फॉरेस्ट से रोड मतलब अलाइनमेंट पास हो, है ना, ऐसा भी हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर जंगल से फॉरेस्ट से रोड पास हो रहा है तो उस केस में हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उस जमीन को लीज पर लेना होगा, और वो लीज की जो कॉस्ट होगी ना, वो भी क्या होगा, वो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड होती है। फाइन, क्लियर, ओके। इसके अलावा और भी पॉइंट्स है, जैसे नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो, जब भी मान लीजिए कि मैं यहां से मान लीजिए कि एक रेलवे ट्रैक जा रहा था, रेलवे ट्रैक को हम नॉर्मली ऐसे शो करते हैं, ये रेलवे ट्रैक जा रहा था, रेलवे लाइन जा रही है ना, और यहां से यहां तक की कनेक्टिविटी चाहिए ऐसे भी, तो हमारी कोशिश ये होती है कि जितने भी इंटरसेक्शन आएंगे ना अलाइनमेंट पर, चाहे वो रोड का इंटरसेक्शन हो चाहे रेलवे ट्रैक का, वो हमेशा परपेंडिकुलर हो। मतलब हम अलाइनमेंट ऐसे डिसाइड करना चाहेंगे कि इंटरसेक्शन जो है ना वो ऐसे परपेंडिकुलर हो कि रेलवे ट्रैक और जो हमारा अलाइनमेंट है रोड है वो 90 डिग्री पर मिले। या मान लीजिए कि कोई रोड था, ये यहाँ पर कोई
रोड है, पहले से एग्जिस्टिंग ये रोड था पहले से, है ना, ये क्या था हमारा रेलवे ट्रैक था। ओके तो ये हमारा अलाइनमेंट है नया रोड जो बनेगा, और ये एग्जिस्टिंग रोड है मतलब पहले से ये रोड बना हुआ था। तो हम कोशिश ये करेंगे अलाइनमेंट ऐसे चूज करेंगे कि जो भी इंटरसेक्शन से, चाहे वो इंटरसेक्शन किसी एग्जिस्टिंग रोड के साथ हो या रेलवे ट्रैक के साथ हो, वो 90 डिग्री पर हो। फाइन, इससे क्या होगा कि ऐसे केस में साइट डिस्टेंस मैक्सिमम होती है। इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना, सारा फोकस यहां पर करो, क्वेश्चन सारे आपको सॉल्व हो जाएंगे, डाउट होंगे मैं नंबर दे दूंगा, पूछ लेना ग्रुप आपका जो भी हो, या ग्रुप बना लेंगे जो भी होगा, वापस डिस्कस कर लेंगे। अभी यहां पर फोकस कीजिए, नहीं यहां से भी दिक्कत होगी आपको। देखिए आप प्रैक्टिकली सोचिए कि कोई ऐसा इंटरसेक्शन है कि ऐसा कुछ रोड था यहां से, है ना, यहां से ये रोड आकर मिल रहा है ऐसे, ऐसे एंगल पे इंटरसेक्शन है। एक रोड तो ये, यहां से कोई व्हीकल जा रहा है, एक व्हीकल यहां से आ रहा है, सपोज यहां से, जब किसी एंगल पर, किसी एंगल पर, है ना, वो एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ और है ना, तो 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पर अगर इंटरसेक्शन होता है ना, तो इधर से जो व्हीकल जा रहा है उसको इधर से इधर वाले व्हीकल इतना जल्दी दिख नहीं पाते हैं। इसको हम बोलेंगे कि साइट डिस्टेंस कम हो जाती है। अगर नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे साइट डिस्टेंस हम, ठीक है। साइट डिस्टेंस मतलब कि किसी इंस्टेंट पर जितना डिस्टेंस विजिबल होता है। यार ये क्वेश्चंस मत डिस्कस करो आप, यार पूरा मेरा फ्लो बिगाड़ रहे हो आप, है ना, और खुद का भी लॉस कर रहे हो। मैंने बोला जितने डाउट्स होंगे आपको नंबर दे दूंगा, पूछ लेना आप ग्रुप में, पूछ लेना या ग्रुप बना लेंगे जो भी होगा, लेकिन ये अभी जो पढ़ा रहे हैं ना उस पर फोकस करो, ठीक है। यहां पर देखिए अगर किसी और एंगल पर, देखो मेरा बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है इन कमेंट से, ठीक है, तो थोड़ा फोकस करने की कोशिश करो। यहां पर ये वापस सुनो, एक रोड ये था, दूसरा रोड ये था, इस तरह का कुछ इंटरसेक्शन है, ये दोनों रोड जो है, ये रोड और ये परपेंडिकुलर नहीं है, किसी और एंगल पर इंटरसेक्शन है। तो आप प्रैक्टिकल ये चीज रियलाइज कर सकते हो यार क्या होगा आप अगर आप राइड करते हो या ड्राइव करते हो, तो कि इधर से कोई व्हीकल जा रहा है, इधर से कोई व्हीकल आ रहा था इस डायरेक्शन में, जब किसी और एंगल पर मतलब 90 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पर इंटरसेक्शन होता है ना, तब उस केस में क्या होगा कि साइट डिस्टेंस जो होती है ना, मतलब जितना डिस्टेंस विजिबल है ड्राइवर को, वो कम हो जाती है। अगर साइट डिस्टेंस कम हो गई तो उस केस में एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात समझ में आती है आपके? अगर आप ड्राइव कर रहे हो या राइडिंग कर रहे हो आप, तब आपको अगर किसी इंस्टेंट पर बहुत कम डिस्टेंस विजिबल है, सामने से कौन आ रहा है वो दिख नहीं रहा, तो एक्सीडेंट्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। मैक्सिमम जो साइड डिस्टेंस होती है ना, वो 90 डिग्री इंटरसेक्शंस पर होती है। तो इसलिए आप देखना कि जहां तक पॉसिबल होता है ना, जहां तक पॉसिबल होता है, तो ऐसे 90 डिग्री पर ही रोड्स का इंटरसेक्शन बनाया जाता है, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे देखते हो, आपने ऐसा भी देखा होगा एंगल पर, लेकिन वहां पर पॉसिबिलिटीज नहीं होती है कि 90 डिग्री पर हम इंटरसेक्शन प्रोवाइड कर सके। इस केस में 90 डिग्री इंटरसेक्शन के केस में साइट डिस्टेंस मैक्सिमम होती है, साइट डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ओके तो यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट बोला है। फोर्थ पॉइंट मैंने ये बोला कि जब भी हम अलाइनमेंट डिसाइड करेंगे ना, तो जितने भी इंटरसेक्शन होंगे, चाहे वो इंटरसेक्शन आपका रेलवे ट्रैक के साथ हो, चाहे वो इंटरसेक्शन आपका एग्जिस्टिंग मतलब पहले से जो मौजूद रोड्स हैं उनके साथ हो, वो हम कोशिश ये करेंगे, पॉसिबिलिटी अगर होगी तो हमारी कोशिश होगी कि वो इंटरसेक्शन सारे 90 डिग्री पर हो। ओके ओके फिर अलाइनमेंट हम ऐसा चूज करते हैं कि जिसके आसपास के एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इजीली अवेलेबल हो। उससे देखो एडवांटेज क्या है, ठीक है, जैसे रोड बनना था यहां से यहां तक, ठीक है, हमें रोड को थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ गया यहां से, एक ऑप्शन ये है, मान लीजिए एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, ऐसा। अब क्या है कि या तो रोड ऐसे बनाओ या यहां से बनाओ, इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन से, इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन से, तो ठीक है दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब ठीक है दोनों यूटिलाइज होंगे अच्छे से। अब ये जो सेकंड वाला ऑप्शन चूज अगर हम करें, तो इसमें एडवांटेज ये कि यहाँ के आसपास के एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत इजीली अवेलेबल है यहाँ पर, है ना, इस एरिया में बहुत ज्यादा इसका मतलब बहुत इजीली यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल है। अगर हम ये वाला अलाइनमेंट फाइनलाइज करते हैं तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ से मंगाना पड़ेगा, इसके आसपास के एरिया में सपोज कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल नहीं, वहीं से मंगाना पड़ेगा, नियरेस्ट ही है। तो यहां से यहां तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। अगर अलाइनमेंट टू चूज करते हो तो यहां से हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस साइट पर मंगाना पड़ेगा, है ना। तो ये फैक्टर्स भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि वन टाइम कॉस्ट से मतलब नहीं है हमें,
कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो ठीक है कम होगी, अगर अलाइनमेंट टू चूज करते हैं तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कम होगी, साथ में इन फ्यूचर जो मेंटेनेंस वर्क होगा ना तब भी तो मेटेरियल मंगाना पड़ेगा, और टाइम टाइम टू टाइम कुछ कुछ ईयर्स में मेंटेनेंस चलता रहता है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक बार रोड बना के छोड़ दी उसका कुछ कुछ टाइम में हमें मेंटेनेंस करना होता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस केस में रिड्यूस हो जाएगी। तो हम ये जब अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं ना तो ये फैक्टर भी हम कंसिडर करते हैं कि जो रोड बनेगा, जो अलाइनमेंट हम फाइनलाइज करेंगे उसके आसपास के एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर अवेलेबल हो तो बहुत बेटर होगा, उसको हम प्रेफरेंस देकर चलते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हम कंसिडर करते हैं, तो वही मैंने लिखा द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड व्हाइल डिसाइडिंग द अलाइनमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। तो पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था वो सारी चीजें लिख रहा हूं, कुछ डाउट रहा हो तो आपको क्लियर करना जब हम नोट करेंगे। पहला मैंने ये बोला कि रोड की लेंथ मिनिमम होनी चाहिए, सबसे मिनिमम लेंथ कब होगी, जब स्ट्रेट रोड होगा, है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट लोकेशन को कनेक्ट करने के लिए रोड को हम स्ट्रेट पाथ से डाइवर्ट कर सकते हैं, पहला पॉइंट ये बोला था। तो लिखेंगे द रोड शुड बी स्ट्रेट एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो, इससे क्या होगा कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, हैंस या हमें बोलेंगे सो दैट द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट लोकेशंस को हम हमेशा कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेट पास से डाइवर्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसी में आगे कंटिन्यू में बोल देंगे फॉर कनेक्टिंग द इंपॉर्टेंट लोकेशंस, फॉर कनेक्टिंग द इंपॉर्टेंट लोकेशंस द रोड मे बी डाइवर्टेड फ्रॉम द स्ट्रेट पाथ। ठीक है, इस पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो पूछिए, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे हम, जो डिस्कस किया वही लिख रहा हूं, नोट कीजिए इसे। सर एग्जाम वाले डे भी क्लास रहेगी क्या, एसएससी के एग्जाम की बात करोगे आप? ओके, उस दिन ऑफ कर लेंगे, है ना, ठीक है, एसएससी के एग्जाम होगा उस दिन ऑफ कर लेंगे, फाइन, हाँ 23 को, ओके। ये नोट किया। सेकंड क्या डिस्कस किया था, और हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम अलाइनमेंट डिसाइड कर रहे होंगे, जब अलाइनमेंट कर रहे होंगे तब हम जो भी स्ट्रीम से या जो भी रेलवे ट्रैक से उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो उनको अवॉइड करेंगे, क्योंकि अगर किसी स्ट्रीम के थ्रू हम अलाइनमेंट पास कर रहे हैं या रेलवे ट्रैक के थ्रू, तो वहां पर हमें एडिशनल स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करने होंगे, उस केस में कॉस्ट बढ़ जाएगी, है ना, ओके। तो सेकंड हम बोलेंगे while deciding the alignment the streams the streams
रेलवे ट्रैक्स एटसेट्रा शुड बी अवॉइडेड। Because on these locations additional structures are required। Which increase the cost of the project। I think clear होगा, doubt तो पूछिए, note कीजिए। ओके फिर क्या बोला था हमने कि अलाइनमेंट जब डिसाइड करेंगे तब हम एग्रीकल्चरल लैंड और फॉरेस्ट एरिया को अवॉइड करेंगे अगर पॉसिबिलिटी है तो, क्योंकि दोनों ही केस में क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? अगर एग्रीकल्चरल लैंड से रोड पास हो रहा है तो उस केस में कंपनसेशन आप जो प्रोवाइड करोगे फार्मर्स को, वो भी वो कंपनसेशन वाली जो कॉस्ट होगी वो भी आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड होता है। अगर फॉरेस्ट से रोड पास हो रहा है तो हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वहाँ पर जो जमीन है उसको लीज पर लेना होगा, उसकी कॉस्ट जो होगी वो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड होती है। अवॉइड करेंगे हम ऐसी सिचुएशन को। नेक्स्ट पॉइंट, एज फार एज पॉसिबल, मतलब जहाँ तक संभव हो, द अलाइनमेंट should not pass through agricultural land and forest land। Because in such cases the project cost is increased due to compensations and लीज कॉस्ट। नोट कीजिए, लीज मतलब क्या होता है, आप एक एक, एक तरह का एग्रीमेंट होता है, कुछ इयर्स के लिए उस जमीन को आप एक तरह से रेंट पर ले लेते हो, है ना। वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है जिसके लिए आप कुछ पेमेंट प्रोवाइड करोगे ओनर को। यहाँ पर हमारे केस में हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उनको हम उनसे जनरली 99 ईयर्स के लिए लीज पर लिया जाता है, तो 99 ईयर्स की कॉस्ट जो है वो आप प्रोवाइड करोगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में बोलेगा जनरली, यहां से अगर क्वेश्चन होता है तो वो आपका स्टेटमेंट्स के रूप में होता है, तो बोलता है विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट, जो भी है ना, चार स्टेटमेंट बोलेगा यहां से और फिर पूछेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, इस तरीके से पूछता है। नोट किया सभी ने? ओके फिर हमने ये बोला था कि
जो इंटरसेक्शन जो भी है वो 90 डिग्री पर होने चाहिए अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, क्योंकि इस केस में एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी कम होगी। तो फोर्थ हम लिखेंगे द अलाइनमेंट शुड इंटरसेक्ट द एग्जिस्टिंग रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स एट 90 डिग्री एंगल। इफ पॉसिबल है ना, क्यों? बिकॉज इन सच केस द साइट डिस्टेंस विल बी मैक्सिमम विच रिड्यूसेज द चांसेज ऑफ एक्सीडेंट। फाइन, अगला पॉइंट, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाले इलाके से भी हम अलाइनमेंट को पास करना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि बहुत हाईली पॉपुलेटेड एरिया से अगर रोड पास होगा तो वहां एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे, तो वो भी हम अवॉइड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे अलाइनमेंट शुड नॉट पास थ्रू वेरी हाईली पॉपुलेटेड एरिया। Because there will be more possibility of accidents. Fine. कीजिए note. रोड रिज लाइन से पास नहीं होना चाहिए। अब ये फैक्टर नहीं है लेकिन ऐसा कॉमन सेंस है, अगर रिज लाइन से पास होगा तो ये सोचो कि रिज लाइन बहुत हाई एलिवेशन पर होती है, तो उस केस में क्या होगा कि जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो वैसे भी डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो वो चीज कॉमन सेंस है। पहाड़ी इलाकों में देखा है ना आपने कि रोड कंस्ट्रक्शन कितना डिफिकल्ट होता है, इसलिए सिंगल लेन रोड आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ों को काट कर रोड बनता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है उनकी, है ना। तो वो सारे चीजें हैं। ओके, इसके बाद एक और लिख लेना, हमने बोला था कि जिस अलाइनमेंट जिस एरिया में अगर रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इजिली अवेलेबल है, वाइडनिंग भी डिफिकल्ट होती है, बिल्कुल होती है ना, जिन एरिया में रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल है वहां से अलाइनमेंट पास करना हम थोड़ा प्रेफर करेंगे। उसका एडवांटेज ये होगा कि जो साइट पर आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर मंगाओगे तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं अलाइनमेंट शुड बी सो चूजन
दैट द रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज अवेलेबल इन द विसिनिटी. विसिनिटी मतलब आसपास के इलाके में. सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रिड्यूस्ड. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वही पॉइंट से ये सारे. ओके, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट है. अलाइनमेंट क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं. जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका जिन्होंने नोट नहीं किया था. ये ओके ठीक है, इसके बाद एक नोट लिखेंगे. एक नोट लिखना, जनरली हम क्या करते हैं, जो कंटूर लाइन होती है उसका लोग अलाइनमेंट फाइनलाइज करते हैं, जिससे क्या होगा कॉस्ट थोड़ी कम रहेगी. कंटूर लाइन समझते हो ना, सर्वेइंग में पढ़ते हो, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन, तो बहुत ज़्यादा बार बार रोड में उतार चढ़ाव नहीं होंगे, है ना, तो एकदम स्ट्रेट रोड वो रहेगा. ठीक है, एलिवेशन डिफरेंस नहीं आएगा तो कॉस्ट थोड़ी कम होगी, टोटल लेंथ तो कम होगी ना. तो नोट में लिखना, अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम ऐसा करेंगे, है ना, जनरली अलाइनमेंट इज डिसाइडेड अलोंग द कंटूर लाइन. डन ओके. इसके बाद इसी चैप्टर में अगला टॉपिक है इंजीनियरिंग सर्वे. इंजीनियरिंग सर्वे एक क्वेश्चन था, बोलो, इससे रेलिवेंट होना चाहिए. इसके एडिशनल है तो आप फिर क्लास के बाद में पूछ लेना, है ना, नंबर दे दूंगा मैं. आर्टिकल रोड हाईवे हो सकता है क्या? हाईवे हमने रोड को ही बोला था भाई. विसिनिटी होता है, विसिनिटी मतलब नियर बाय. रोड को ही हाईवे हमने बोला था, है ना, पहली क्लास याद करो, मैंने बोला था हाईवेज या रोडवेज ऑब्लिक करके लिखा था. एक ही मतलब है, रोड मतलब हाईवे, एक ही मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है टेक्निकली. नहीं, आर्टेरियल रोड की हेडिंग देखो, जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ना, आर्टेरियल, सब आर्टेरियल, कलेक्टर रोड, लोकल स्ट्रीट, तो हेडिंग क्या थी, अर्बन रोड्स, है ना, अर्बन रोड्स का क्लासिफिकेशन था ये, अर्बन रोड्स का क्लासिफिकेशन था. ओके, और भी डाउट्स हो
पिछले चैप्टर से रिगार्डिंग तो आप क्लास के बाद में पूछ लेना, ठीक है, मैं नंबर आपको दे दूंगा। इससे रिगार्डिंग कुछ हो तो पूछो। नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर में इंजीनियरिंग सर्वे। फाइन, तो देखिए होता क्या है वो एक बार पूरा डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद इसको नोट कर लेंगे हम। तो बेसिकली यहाँ पर चार स्टेप्स होते हैं, एक बार लिख देता हूँ फिर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसमें, फॉलोइंग आर दी स्टेप्स इन इंजीनियरिंग सर्वे, ठीक है, कौन कौन सी स्टेप होती है इंजीनियरिंग सर्वे में। चार स्टेप से पहला होता है मैप स्टडी, दूसरा रिकनेसेंस सर्वे, तीसरा प्रिलिमिनरी सर्वे, चौथा डिटेल्ड सर्वे। एक बार नोट कर लो, फिर अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे सबको, है ना। एक बार ये नोट कर लो फिर डिस्कस करते इसको। ओके, नोट किया सभी ने। ओके, तो इसको समझना आप ध्यान से। सर्वे का मतलब क्या होता है? सर्वे का जनरल मीनिंग अगर हम बात करें तो क्या होता है, सर्वे मतलब टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, यही मतलब होता है। कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ सूचनाएं एकत्रित करना, उसको हम बोलते हैं सर्वेइंग करना, है ना। सर्वे का मतलब होता है कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ये जनरल मीनिंग होता है। कई बार आप जाते हो ना कहीं घूमने, ये कहीं भी है ना बाहर गए होते हो आप, और कुछ लोग आते हैं किसी कंपनी के, बोलते हैं ये हम एक सर्वे कर रहे हैं, ये फॉर्म आप फिल कर दीजिए। या ऑनलाइन भी आप देखते होंगे कुछ वेबसाइट्स पर, है ना, यूट्यूब पर एड आते बहुत बार कि सर्वे हो, एक हम सर्वे कंडक्ट करना चाह रहे हैं और उसके लिए आप एक फॉर्म फिल कर दीजिए। समझ रहे हो, सर्वे का मीनिंग होता है कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। ओके, तो हम अलाइनमेंट करने, मतलब रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड को फाइनलाइज करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, मतलब कुछ सर्वे करते हैं, है ना। उसमें से एक पार्ट ये होता है इंजीनियरिंग सर्वे वाला। और इंजीनियरिंग सर्वे में अभी बोला मैंने कि चार स्टेप्स होती है, उनको एक बार देख लीजिए। मान लीजिए, ध्यान से समझना, बोर्ड पर देखना, ये कोई एरिया का मैप है सपोज, और यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रोड बनानी है। स्टार्टिंग में हमें यही पता होता है कि जयपुर से दिल्ली तक रोड बनानी है ना। अब रोड कहाँ होकर जाएगी, रोड हो सकता है अलवर होकर जाए, हो सकता है हरियाणा से होकर जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जिस जहां से जहां तक रोड हमें बनानी है ना, उस एरिया का मैप ले लेते हैं, ठीक है। और मैप पर हम कुछ पॉसिबिलिटीज को मार्क कर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पॉसिबल अलाइनमेंट हमें सही लगे, सुटेबल लगेगा, उनको हम यहीं पर मैप पर मार्किंग कर लेंगे, जिसको हम बोलेंगे मैप स्टडी, पहली स्टेप जो बोली थी, ठीक है। हमें लगा कि ठीक है यहाँ से रोड बन सकता है, ये एक ऑप्शन ये है, ठीक है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, इस रूट के लोग तो इनको कनेक्ट कर देंगे। तो एक पॉसिबिलिटी हमें सूटेबल लगी, हमने मार्क कर दी। जब भी हम यहाँ पर ये मार्किंग करेंगे ना, तो उन फैक्टर्स को दिमाग में रखकर करेंगे जो हमने डिस्कस किए, कि किन किन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो सारा दिमाग में होना चाहिए, है ना। ओके,
एक पॉसिबिलिटी हमें ये लगी कि हाँ ये भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे छोटी कुछ इंडस्ट्रीज है, इस तरह से यहाँ पे खेती बाड़ी वो इस रीजन में बहुत ज्यादा होती है ना, प्रोडक्शन बहुत होता है, तो रोड बना देंगे तो काफी यूटिलाइजेशन हो जाएगा, समझ रहा हूँ। एक अलाइनमेंट की पॉसिबिलिटी हमें ये लगी, तो जितनी पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हमें जो भी सुटेबल लगती है उन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए वो सारी की सारी हम इस पर मार्क कर देंगे। सपोज ये तीसरा ऑप्शन ये हमारे सामने कि रोड ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, या ऐसे बन सकता है, जो भी सूटेबल हमें लगा, है ना। अलाइनमेंट 1, 2, 3 बनेगा तो एक ही रोड, वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कौन सा बनेगा, लेकिन स्टार्टिंग फेज में मैप स्टडी जो पहली स्टेप है, इनिशियली हमने क्या किया, जो भी सूटेबल ऑप्शन लगे सब हमने मैप पर मार्क कर दिए, बस इसी को हम बोलेंगे मैप स्टडी। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए। पहला स्टेप क्लियर है, इसको हमने बोला मैप स्टडी, ओके। सेकेंड स्टेप लिखा हुआ है आपके पास रिकनेसेंस। रिकनेसेंस का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं बात करूं ना तो आप समझते हो, रिकनेसेंस का मतलब होता है रेकी करना, टोह लेना, रेकी करना। चोर होता है ना, वो चोरी करने जाता है, उससे पहले वो पहले पूरी प्लानिंग करता है वो, है ना। जिस जगह उसको एटीएम लूटना होता है, पहले वो कहीं ना मतलब वहां पर, या कोई बैंक अगर उसको लूटना होता है तो पहले एक बार वो वहां पर विजिट करके आएगा, पहले एडवांस में पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, रेकी करेगा वो, है ना, रिकनेसेंस करेगा कि हाँ यहाँ पर इतने लोग हैं, इतना स्टाफ रहता है, यहाँ से ये रूट है ना, लोकर वाला रूम वहां पर है, मैनेजर का रूम ये वाला है ना, गार्ड है या नहीं यहाँ पर, यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज है, यहाँ से पास से ये रोड जा रहा है, अगर मैं लेट हो गया तो कहाँ कहाँ से मैं किन किन रूट से भाग सकता हूँ, समझ रहा हूँ। घूम फिर कर वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिकनेसेंस करना, घूम फिर कर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या जिसको आप बोलते हो रेकी करना, टोह लेना, इंग्लिश में रिकनेसेंस बोलेंगे। तो बस रिकनेसेंस का मतलब आप समझ जाओ, रिकनेसेंस सर्वे सेकेंड स्टेप हमने बोली कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन फील्ड में घूम कर कलेक्ट करेंगे। एक्चुअली में जो पहली स्टेप में हमने मैप स्टडी में ये जो मार्किंग की थी ना, ठीक है, हो सकता है इस मैप पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो। मान लीजिए कि पहले, क्योंकि पहले के टाइम में होता था ऐसा, पहले तो मैप खुद बनाते थे ना, है ना, ठीक है। अब तो क्या है, वो गूगल वगैरह वाली वो टेक्निक आ गई, तो वहाँ पर बहुत चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन लगभग मिल जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है। तो हो सकता है कि मैप पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, तो हम क्या करेंगे, पहली स्टेप में मतलब मैप स्टडी में जो भी पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पर मार्क की थी ना, हर एक अलाइनमेंट के अलोंग हम फील्ड में घूमेंगे, है ना, हर एक अलाइनमेंट के अलोंग हम फील्ड में घूमेंगे और घूम फिर कर एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। एडिशनल मतलब जो मैप पर नहीं है उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बोल रहा हूँ। तो पता लगा कि अलाइनमेंट 2 के अलोंग जब हम फील्ड में गए ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा नाला बना हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं थी, मैप पर नहीं थी, है ना। देखा कि फील्ड मतलब जो अलाइनमेंट 2 है ना, इसमें जब फील्ड में गए रिकनेसेंस सर्वे किया हमने, तो पता लगा यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है कि अगर यहाँ से रोड पास होगा तो फिर हमें यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हमने इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया, ओके। तो मतलब क्या हुआ कि रिकनेसेंस सर्वे का एक तो पर्पज क्लियर करना कि हम फील्ड में हर एक अलाइनमेंट जो पहले पहली स्टेप में मैप स्टडी में हमने मार्किंग किया था ना, अलाइनमेंट नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स, हर एक के अलोंग हम फील्ड में खुद घूम फिर कर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब वो इन्फॉर्मेशन जो मैप पर अवेलेबल नहीं थी उनको कलेक्ट करते हैं, और हो सकता है कि इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो पहले इनिशियली जो हमारे पास ऑप्शन थे अलाइनमेंट्स के, उनमें से कुछ रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। ये स्टेप हो जाती है रिकनेसेंस सर्वे। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए, किसी को डाउट तो पूछिए। अभी समझा रहा हूँ, बाद में मैं लिख दूंगा सारा जो मैं समझा रहा हूँ, है ना, ओके। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप के बाद ये एक ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, अब दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन 1 और 3 सपोज, ओके। अब तीसरा स्टेप होता है प्रीलिमिनरी सर्वे, इसमें हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना होता है कि रोड कहाँ से बनेगा वो फाइनलाइज करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स भी है, वो इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडिया की मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, छोटे प्रोजेक्ट्स में जनरली रोड वहां से बनाते हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिनिमम होगी, है ना। जनरली छोटे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बड़े हाईवेज की बात नहीं कर रहा, है ना, NH SH वगैरह इनकी बात नहीं कर रहा मैं, छोटे मोटे जो रोड्स होते हैं ना हमारे सिटी वाले रोड्स, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिया में जनरली ऐसा होता है कि जिस
जिस अलाइनमेंट की कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मिनिमम होती है उसको हम फाइनलाइज कर लेते हैं कि हाँ रोड यहीं से बनेगा, है ना। टिपिकली ऐसा होता है, लेकिन कुछ मेथड्स भी है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, हम उन मेथड्स को फॉलो करते हैं कि बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा रहेगा, वो इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया कि जो तीसरी स्टेप है प्रीलिमिनरी सर्वे, उसमें सेकेंड स्टेप के बाद जितने भी ऑप्शंस बचे ना अलाइनमेंट के, उनका रफली कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, है ना, रफली उनका कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, और उनको जो जिन जिन भी फैक्टर्स के बेसिस पर कंपेयर करना है ना, जिस भी बेसिस पर कंपेयर करना है उस बेसिस पर कंपेयर करके अलाइनमेंट फाइनलाइज कर लेंगे कि हाँ रोड ये से बनेगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ऑप्शन वन की कॉस्ट आई सपोज 100 करोड़, ऐसा सपोज मान लीजिए अलाइनमेंट थ्री की कॉस्ट आई 80 करोड़। ठीक है, तो हमें इकोनॉमी को प्रेफरेंस देनी है, हमेशा ऐसा नहीं कि जिसकी कॉस्ट मिनिमम होगी इसी को चूज कर लेंगे, हमारा खुद का कुछ ना कुछ मापदंड होगा, ऐसा कुछ है ना, कुछ ना कुछ ऐसा बेंचमार्क हमारा सेट होगा कि हाँ इस बेसिस पर हम, मतलब किस फैक्टर को आप प्रेफरेंस दे रहे हो वो डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट प्रेफर करता है। तो मान लीजिए कि हाँ ठीक है, जिसका कॉस्ट मिनिमम होगा उसको हम चूज करना चाहते हैं, हम इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बजट बहुत कम है ना, पैसों की बड़ी दिक्कत है, होता ना कई बार गवर्नमेंट्स के पास ऐसा होता है, तो ठीक है इस वाले की कॉस्ट कम है तो हमने ये फाइनलाइज कर लिया अलाइनमेंट तीन, मतलब यही से रोड बनेगा। जिस भी बेसिस पर हमें डिसाइड करना होगा वो कर लेंगे, इसी स्टेप में करेंगे लेकिन फाइनलाइज कर लेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में भी पूछा है, किस स्टेप में हम फाइनल अलाइनमेंट चूज कर लेते हैं, तो वो तीसरा स्टेप होगा प्रीलिमिनरी सर्वे। अब जब ये फाइनलाइज हो चुका तो रोड तो यही से बनेगा, तो फोर्थ स्टेप पर हम आएंगे जिसको बोलेंगे डिटेल्ड सर्वे। तो अब इसका हम डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, है ना, एग्जैक्ट कॉस्ट निकालते हैं। तीसरा स्टेप में जो हमने कॉस्ट निकाला था ना वो एग्जैक्ट नहीं था, वो रफली एस्टिमेट था, वो है ना जस्ट आइडिया था, रफ आइडिया। अब फोर्थ स्टेप में डिटेल्ड सर्वे में हम एक एक चीज का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, और फिर रोड पर मतलब जो फील्ड है वहां पर हम इस अलाइनमेंट की मार्किंग करेंगे और रोड कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो ये चारों स्टेप्स हो गई। ठीक है, पहली स्टेप हमने बोली मैप स्टडी, सेकंड स्टेप हमने बोला रिकनेसेंस सर्वे, तीसरा स्टेप बोला प्रीलिमिनरी सर्वे, एंड द फाइनल स्टेप इज द डिटेल्ड सर्वे। एसएससी जेईई में और जो भी अदर एग्जाम है वहां पे, जो जितने कॉमन एग्जाम है वहां पर इनका सिक्वेंस पूछता है। सिक्वेंस मतलब ऐसा पूछता है क्वेश्चन कि इंजीनियरिंग सर्वे में जो भी स्टेप्स होती है ना उनका सीक्वेंस क्या होगा। तो पहला मैप स्टडी, सेकंड रिकनेसेंस सर्वे, तीसरा जो है दैट इज प्रीलिमिनरी सर्वे, एंड द फाइनल वन इज द डिटेल्ड सर्वे। ये सीक्वेंस होता है, ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन एसएससी जेईई में पूछा है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं हो तो आप ऐसे एक्रोनिम बना सकते हो, इनिशियल लेकर एमआरपी, है ना, एम से मैप स्टडी, आर से रिकनेसेंस सर्वे, पी से प्रीलिमिनरी सर्वे, एंड डी से डिटेल्ड सर्वे। फाइन, तो ये टॉपिक कंप्लीट है। ठीक है, मतलब डिस्कस कर ही लिया, नोट भी करना है। ओके, पहला इसमें हेडिंग लिखेंगे मैप स्टडी। मैप स्टडी, ठीक है, तो क्या किया था हमने मैप स्टडी में, जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी उनको मैप पर ही मार्क कर दिया था। ठीक है, ऑल दी सूटेबल अलाइनमेंट्स आर मार्क ऑन दी मैप। ठीक है, उन फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए नोट कीजिए इसे। इनिशियली सर्वे में क्या आएगा, मतलब हम स्टेप्स पढ़ रहे हैं ना,
ठीक है, सर्वे का मीनिंग बताया था वो तो मैंने आपको इन जनरल पता होता है ना, ठीक है, कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है, लेकिन ठीक है ना, अगर नहीं पता तो सर्वे का मीनिंग होता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ओके, सेकेंड स्टेप हमने बोली रिकनेसेंस सर्वे, ये केवल रिकनेसेंस बोल देते इसको, रिकनेसेंस सर्वे। तो हमने ये बोला कि पहली स्टेप में जिन अलाइनमेंट्स को हमने मार्क किया है ना, ओके, जिन अलाइनमेंट्स को हमने मार्क किया है मैप पर, हर एक के अलोंग हम फील्ड में घूमेंगे और घूम फिर कर हम क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, एडिशनल इन्फॉर्मेशंस मतलब जो इन्फॉर्मेशन मैप पर अवेलेबल नहीं थी उनको हम कलेक्ट करेंगे, ऐसे बोला था। तो हम बोलेंगे इसमें पहला पॉइंट, इन दिस सर्वे दी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस, ठीक है, एडिशनल मतलब जो मैप पर नहीं है, इन्फॉर्मेशंस आर कलेक्टेड बाय गोइंग इन द फील्ड अलोंग ईच अलाइनमेंट, अलोंग ईच अलाइनमेंट है ना, जो इन्फॉर्मेशंस मैप पर मिसिंग थी उनको हमने कलेक्ट किया। ओके, और हमने ऐसा बोला कि हो सकता है इस स्टेप के बाद में जो पहली स्टेप में हमने मार्किंग की थी ना, जिन पॉसिबिलिटीज की, जिन पॉसिबल अलाइनमेंट्स की, उनमें से कुछ रिजेक्ट हो जाए, तो वो पॉइंट भी हम बोल सकते हैं आफ्टर दिस स्टेप सम ऑफ दी अलाइनमेंट्स में बी रिजेक्टेड, ये सेकेंड स्टेप हो गई। कहने का मतलब इन चारों में से कौन इनिशियल सर्वे में आएगा, सीक्वेंस डिस्कस किया था ना मैंने, सबसे पहले मैप स्टडी, उसके बाद रिकनेसेंस सर्वे, उसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे, एंड देन फोर्थ वन विल बी डिटेल्ड सर्वे। सबसे पहला कौन सा आया वही पूछना चाह रहे हो ना, मैप स्टडी हो गया। ठीक है, तो सीक्वेंस बताया ना, अभी नोट भी करेंगे हम। ओके, इसके बाद तीसरा जो स्टेप है, तीसरा था प्रिलिमिनरी सर्वे।
तो इसमें हमने ये बोला था कि जितने भी ऑप्शंस बचे सेकंड स्टेप मतलब रिकनेसेंस सर्वे के बाद, उनका रफली पहले तो हम कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे जिससे उनको कंपेयर कर सके हम। ठीक है, तो हम इसमें बोल सकते हैं आफ्टर रिकनेसेंस सर्वे रफ कॉस्ट एस्टिमेट है ना, एग्जैक्ट नहीं रफली आइडिया लेंगे, रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ ईच अलाइनमेंट इज डन, जिससे हम कॉस्ट का आइडिया ले सके और कंपेयर कर सके कौन सा इकोनॉमिकल होगा। ओके, पहला पॉइंट तो ये नोट करेंगे। फाइन, नेक्स्ट पॉइंट, इसको स्टार लगा सकते हो, कई एग्जाम में पूछा है। तो इससे स्टेप का एक पर्पज और है कि जो भी अलाइनमेंट्स है ना, सेकंड स्टेप के बाद जो भी बच रहे हैं उनमें से बेस्ट अलाइनमेंट चूज करना, ये इस स्टेप का पर्पज है। ओके, तो बेस्ट अलाइनमेंट इज चूजन इन दिस स्टेप। जो भी हमारे क्राइटेरिया होते हैं उनके बेसिस पर हम यहाँ पर बेस्ट अलाइनमेंट चूज कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं कि किस स्टेप में हम अलाइनमेंट को फाइनलाइज करते हैं कि रोड कहाँ से बनेगा, वो फाइनलाइज कब होता है, इसी स्टेप में होता है ना, तो ये लिख लेना। ओके, देन द लास्ट स्टेप, फोर्थ वन इज डिटेल्ड सर्वे। तो इसमें हमने ये बोला कि जो भी अलाइनमेंट फाइनलाइज हुआ ना, उसका हम एग्जैक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, पहले रफ वाला किया था है ना, तो एग्जैक्ट डिटेल्ड कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ दी फाइनल अलाइनमेंट इज डन। ओके, देन हम बोल सकते हैं कि इसकी रोड, हाँ, इसकी हम फील्ड में मार्किंग करके रोड कंस्ट्रक्ट कर देंगे, मार्किंग ऑफ दी अलाइनमेंट इज डन इन दी फील्ड एंड द रोड इज कंस्ट्रक्टेड। ये फोर्थ स्टेप हो गई।
नोट किया सभी ने? ठीक है, अब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, एक नोट हम लिख देंगे, एक नोट लिख लेंगे। द सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स इन इंजीनियरिंग सर्वे। सबसे पहले हमने किया मैप स्टडी, इसके बाद नेक्स्ट वाली स्टेप होगी रिकनेसेंस सर्वे। ओके, इसके बाद सीक्वेंस पूछता है ना, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है कौन सा? डिटेल्ड सर्वे। यहां से आप इनिशियल्स याद रख सकते हो, ट्रिक बना सकते हो कि एम आर पी बचा कुचा डी हो जाएगा, है ना। केवल एम आर पी याद रखोगे तो भी सिक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एम से मैप स्टडी, आर से रिकनेशन सर्वे, एंड पी से प्रिलिमिनरी सर्वे, ठीक है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करना, इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको पूछते ही है। ओके, तो बताइए अब इससे रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो। ये इंजीनियरिंग सर्वे वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम बोलेंगे प्लानिंग सर्वे। या इसी को हम बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग सर्वे। प्लानिंग सर्वे या इसी को बोलेंगे फैक्ट फाइंडिंग सर्वे। ओके, हेडिंग लिखो ये,
ठीक है, तो कोई रोड बनना है ना, प्रपोज जो रोड है ओके, उसकी लेंथ कितनी होगी है ना, लेंथ कितना रखे उसका, ठीक है, अलाइनमेंट फाइनलाइज कैसे करें, और साथ में जो एग्जिस्टिंग रोड्स है ना उनका अगर फर्दरली हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, उस उनका और ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली देखिए कि कई बार हमने देखा होगा कि कोई हाईवे बनता है वो 4 लेन बनता है इनिशियली, तो जैसे जैसे ट्रैफिक वॉल्यूम बढ़ता है वहाँ पर, तो वो 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन 8 लेन कर देते हैं, या कहीं कहीं पर हम ब्रिजेस बना देते हैं है ना, कुछ एडिशनली उसमें हम इन्हेंसमेंट कर देते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर देते हैं, बात समझ आ रही है। तो कहाँ पर ये चीज़ें हमें करनी है ना, जो एग्जिस्टिंग रोड है वहाँ पर उनका इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है ही या नहीं है, वो सारी इंफॉर्मेशंस मतलब वो सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें कुछ सर्वे करना होता है, सर्वे अगेन द सेम थिंग टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो इन सर्वे को हम बोलेंगे प्लानिंग सर्वे। एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, लिखो इसमें टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ प्रपोज्ड रोड एंड टू नो द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग रोड्स, सम सर्वेज आर डन विच आर कॉल्ड प्लानिंग सर्वे, और यू कैन से फैक्ट फाइंडिंग सर्वे। डन, नेक्स्ट पॉइंट। प्लानिंग सर्वे में हमें कुछ टाइप की स्टडीज करनी होती है, कौन कौन सी स्टडी करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट बोलेंगे द फॉलोइंग स्टडीज आर डन इन दी प्लानिंग सर्वे। कौन कौन सी स्टडी करते हैं, पहला इकोनॉमिक स्टडी, दूसरा हम करते फाइनेंशियल स्टडी, तीसरा टाइप का स्टडी होता है ट्रैफिक स्टडी, एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज इंजीनियरिंग स्टडी। ठीक है, चार टाइप की स्टडी करते हैं, प्रपोज्ड लेंथ नहीं था वो रोड था, टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ प्रपोज्ड रोड है, लेंथ का है ना, प्रपोज्ड रोड मतलब प्रस्तावित सड़क है कि यहाँ पे रोड बनना है, अभी बना नहीं है, समझ रहे हो, ठीक है। प्रपोज्ड रोड मतलब जो रोड बनना है उसकी लेंथ कितनी रखना चाहिए, हमें केवल ये पता है कि यहाँ से इस लोकेशन से उस लोकेशन तक कनेक्टिविटी होनी है, तो उसकी लेंथ डिसाइड करते हैं।
पहला इसमें हेडिंग लिखना इकोनॉमिक स्टडी, पहला इसमें हेडिंग इकोनॉमिक स्टडी, ओके तो एक पॉइंट लिख लेना क्या क्या स्टडी करते इसमें, द स्टडी रिगार्डिंग पॉपुलेशन, किसी एरिया की पॉपुलेशन कितनी है ना, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, किस एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है किस में कम है, ओके फिर पर कैपिटा इनकम कि किसी एरिया में लोगों की इनकम क्या है, एवरेज इनकम क्या है, ठीक है, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन इनकम, ओके पर कैपिटा इनकम कितनी है, फाइन, तो ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं, ओके एटसेट्रा आर द स्टडी रिगार्डिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम एटसेट्रा इज कंडक्टेड अंडर इकोनॉमिक स्टडी, ओके सेकेंड था हमारा फाइनेंशियल स्टडी, तो इसमें हम ये गणित लगाते हैं फाइनेंशियल स्टडी में कि रोड कंस्ट्रक्शन या जो भी प्रोजेक्ट है ना उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, है ना, तो कई बार होता है ना नया रोड बनना होता है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो गवर्नमेंट कुछ टैक्स लगा देती है ना, तो कैलकुलेशंस करते हैं इसमें हम कि हाँ इतना पैसा टैक्स से आ जाएगा, इतना लोन ले लेंगे, है ना, वर्ल्ड बैंक से या सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना मिल जाएगा, वो सारी कैलकुलेशंस करते हैं कि प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, फाइन, तो इसमें एक पॉइंट बोल सकते हैं द स्टडी रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ इनकम, ओके फिर इनकम फ्रॉम वेरियस टैक्सेज कि अलग अलग टैक्स से कितना पैसा आएगा, है ना, एटसेट्रा इज डन अंडर फाइनेंशियल स्टडी, फैक्टर अफेक्टिंग अलाइनमेंट पढ़ा दिया भाई, लेट आए तुम, ओके डन। इसके बाद तीसरा जो है, तीसरा स्टडी हमने बोला ट्रैफिक स्टडी, तो ट्रैफिक से रिगार्डिंग सारी स्टडी हम यही पर इसमें करेंगे ट्रैफिक स्टडी में, तो इसमें लिख सकते हैं हम एक पॉइंट द स्टडी रिगार्डिंग ट्रैफिक पैटर्न
ये पढ़ेंगे हम ना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे सिलेबस में हमारे, ट्रैफिक पैटर्न, ठीक है। फिर एक टॉपिक और पढ़ेंगे वहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी। अभी केवल नाम लिख लो, ये ट्रैफिक का पार्ट है, वही पढ़ेंगे, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ओके। फिर ये हम स्टडी करेंगे कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, है ना, रीजंस ऑफ एक्सीडेंट्स, ठीक है। अगर एक्सीडेंट हो रहा था उससे गवर्नमेंट को कितना नुकसान हो रहा है, उससे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ठीक है। कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स एटसेट्रा इज कंडक्टेड अंडर ट्रैफिक स्टडी, और फोर्थ एंड लास्ट वन इंजीनियरिंग स्टडी। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स की हम बात करेंगे ना इंजीनियरिंग स्टडी। ठीक है, जो टेक्निकल पैरामीटर से उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ओके। तो एक पॉइंट बोल सकते हैं, स्टडी रिगार्डिंग अलाइनमेंट सोइल, है ना, सोइल टाइप या सोइल की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स हो गए, ठीक है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब किसी एरिया की बसावट कैसी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग स्लोप में ग्रेडियंट में चेंज आएगा, ओके। टोपोग्राफी हो गया, ड्यूरेबिलिटी ऑफ रोड्स, एटसेट्रा इज कंडक्टेड अंडर दिस कैटेगरी, ओके। नोट कीजिए, देखो क्या बोला तीसरा हमने, द स्टडी रिगार्डिंग द ट्रैफिक पैटर्न, ठीक है। ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, अलग से बड़े टॉपिक्स थे, तो अभी इग्नोर कर सकते हो इसको, वहाँ पे हम ONDS स्टडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। काम आ रहा था तो हमने लिख दिया, अभी फिलहाल इग्नोर कीजिए क्योंकि आगे पढ़ना है हमें। रीजंस ऑफ एक्सीडेंट्स, है ना, इस स्टडी में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि किन किन कारणों से एक्सीडेंट होता है, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिकली सोचिए कि हर सिटी में कुछ लोकेशंस ऐसी होती है जहाँ पर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ रहा हूँ, तो वहाँ पर स्टडी की जाती है कि क्यों, किस रीजन से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, है ना। जैसे जयपुर में एक B2 बाईपास करके अगर आप जगह जानते हो, तो वहाँ पर एक टाइम ऐसा था कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे, क्यों होते थे, क्योंकि हैवी व्हीकल्स बहुत आते थे, ट्रक वगैरह, तो डेली वहाँ पर कोई ना कोई मतलब बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो जाता था, है ना, ओके। तो स्टडी करेंगे ना तभी हमें पता चलेगा कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, रीजंस ऑफ एक्सीडेंट्स हमें पता लगेंगे, उसके कारण कितना लॉस हो रहा है, कॉस्ट इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट्स, अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ से प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, कितनी कैजुअलिटीज हो रही है उसमें, वो सारा।
फोर्थ हमने बोला कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है उनको हम डिस्कस करते हैं अंडर इंजीनियरिंग स्टडी। तो यहाँ पर हमने बोला कि जो अलाइनमेंट है, सोइल का टाइप है, सोइल की स्ट्रेंथ है, टोपोग्राफी मतलब बसावट, किसी एरिया की बसावट कैसी है, ठीक है, बहुत स्लोप के साथ जो बसावट है या फिर प्लेन टेरेन है, समझ रहे हो, कोई समतल इलाका है अगर है तो वहाँ पर बसावट अलग तरीके से होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में सोचो आप ये बसावट कैसा होता है कि कुछ कुछ डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा स्लोप में वेरिएशन आ जाता है, तो वो टोपोग्राफी उसको हम बोलेंगे बसावट को। ड्यूरेबिलिटी ऑफ रोड कितना है ना, कितना लाइफ है उसका, मतलब ये सारा हम टेक्निकल एस्पेक्ट्स ये जो भी है इनको हम इंजीनियरिंग स्टडी में डिस्कस करते हैं, ठीक है, नोट कीजिए इसे। ओके डन, नोट किया सभी ने, हटा रहा हूँ मैं स्लाइड को, पूरी को हटा रहा हूँ। ओके ओके इसके बाद अगला टॉपिक है इसी चैप्टर में, सैचुरेशन सिस्टम या इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम यूटिलिटी। सिस्टम लिखो, ये हेडिंग लिखना, देखो ये जो सिस्टम है ना इससे हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा रोड जो होगा या कौन सा अलाइनमेंट जो है सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होगा, यूटिलाइज मतलब काम में सबसे ज़्यादा आएगा, है ना। जैसे हमने ये बोला था कि ये ए से बी तक रोड बननी थी, एक पॉसिबिलिटी ये है, दूसरा अलाइनमेंट पॉसिबल ये वाला है, तीसरी पॉसिबिलिटी ये वाली है, ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी थी कि रोड ऐसे से ऐसे बन सकता है। अब अगर इनको कंपेयर करना हो, हमने बोला था कि प्रीलिमिनरी सर्वे वाले स्टेप में हम यहाँ से बेस्ट अलाइनमेंट को चूज करने थे, अब वो बेस्ट अलाइनमेंट कौन सा होगा उसका हमारा खुद का क्राइटेरिया होता है ना, किसी केस में हो सकता है छोटे प्रोजेक्ट्स में कि जो इकोनॉमी है दैट माइट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन, है ना, कि जिसके कॉस्ट मिनिमम होगा उसको हम नॉर्मली प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसा नहीं होता, बड़े प्रोजेक्ट्स में हमें ये देखना होता है कि कौन सा रोड मैक्सिमम यूटिलाइज होगा, है ना, यूटिलिटी समझते हो ना, उपयोगिता, कौन सा रोड मैक्सिमम यूटिलाइज होगा बनने के बाद में, वो एडवांस में अगर हम जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये सिस्टम हम फॉलो करते हैं, ये थ्योरी हम फॉलो करते हैं, इससे पता लग जाएगा कि कौन सा अलाइनमेंट बनने के बाद सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होगा, उसी को हम बेस्ट अलाइनमेंट बोलेंगे, उसी को हम फाइनलाइज कर लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट, पर्पज समझ में आया, बेस्ट अलाइनमेंट चूज करना यहाँ पर पर्पज है इस सिस्टम का। भले ही उसका कॉस्ट ज़्यादा हो, मनमोहन मैंने ये बोला कि बेस्ट अलाइनमेंट का अपना खुद का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है ना, मैंने ये भी बोला कि जनरली छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, है ना, किसी सिटी या डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर जो रोड्स होती है, मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो कॉस्ट होता है, नॉर्मली वहाँ पर हम कॉस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मान लीजिए कोई नेशनल हाईवे पास हो रहा है, एक्सप्रेस वे पास हो रहा है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहां पर हमारा क्राइटेरिया कॉस्ट ना होके कुछ और हो जाता है, ठीक है, वहां पर हम चाहते हैं कि मुंबई से दिल्ली तक हाईवे बन रहा है, अब पता होगा आपको मुंबई से दिल्ली तक रोड बन रहा है, क्यों बन रहा है, मुंबई कमर्शियल कैपिटल है इंडिया की, है ना, बहुत ज्यादा वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज होती है,
और गुजरात होके जो मेन मेन जहाँ पे प्रोडक्शन सेंटर्स है ना इंडिया में, ठीक है, छत्तीसगढ़ होके, मतलब जो ऐसे इलाके जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उनको कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट मतलब चल रहा है, अभी रनिंग है, मतलब काम बहुत हो चुका है उसमें। क्यों कर रहे ऐसा? वो अलाइनमेंट कुछ ऐसा चूज कर सकते थे जहाँ पे कॉस्ट कम होती, लेकिन पर्पज यहाँ पर अब दूसरा है, समझ रहे हो? तो हमेशा वो कॉस्ट वाला ही क्राइटेरिया नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से, बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं, मतलब पूरे इंडिया वाइड कनेक्टिविटी उसकी, मतलब बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, तो वहां पर क्या होगा कि हम चाहेंगे कि रोड मैक्सिमम यूटिलाइज हो, सबसे ज्यादा काम में आए, उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका आउटपुट हमें इकोनॉमी में मिलता है ना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो पूरे इंडिया में जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, वो सारी चीजें, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इससे एडवांटेज है, ठीक है। तो हमेशा कॉस्ट वाला क्राइटेरिया नहीं होता, यहाँ पे यूटिलाइजेशन क्राइटेरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इस प्रोजेक्ट पे। वो डिपेंड करेगा किस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो कौन सा रोड सबसे ज्यादा यूज होगा, वो अगर हम देखना चाहते हैं तो वो इस सिस्टम से देख सकते हैं, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या होता है इसको एक बार समझ लो, एक बार मैं लिख देता हूँ दो चार पॉइंट जो बेसिक है इसके, मैं लिख देता हूँ, फिर डिस्कस करते इसको। तो पहला तो इसका पर्पज की करते क्या है इसमें हम, पहला इन दिस सिस्टम द यूटिलिटी, यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, यूटिलाइजेशन है ना, द यूटिलिटी ऑफ यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ ऑफ द रोड इज डिटरमाइंड। अभी मैं इसको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, है ना। यूनिट लेंथ ऑफ रोड की यूटिलिटी हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि अप्रोच फॉलो करते हैं इस मेथड को फॉलो करके। ओके, ऐसा करने के लिए है ना, यूटिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें दो फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस सिस्टम द यूटिलिटी ऑफ रोड इज डिटरमाइंड कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक बार नोट कर लो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्कस करूंगा। पहला फैक्टर हम कंसिडर करते हैं पॉपुलेशन विच यूजेज द रोड नेटवर्क, या अलाइनमेंट बोल सकते हैं इसको। दूसरा प्रोडक्टिविटी, ये भी दो टाइप की होती है, एक हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल, इसको भी डिस्कस कर लूंगा मैं, है ना, एक बार नोट कर लो बस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ओके, नोट कीजिए इसे।
ओके, नोट किया सभी ने? किसी ने नोट नहीं किया हो तो कमेंट कर देना, है ना? ठीक है, देखिए क्या बोला मैंने। पहले तो पर्पस बोला कि इस सिस्टम में हम यूनिट लेंथ ऑफ रोड की यूटिलिटी मतलब उपयोगिता ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लेंगे। ऐसा करने के लिए, इस पर्पस के लिए हम दो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। पहला फैक्टर बोला पॉपुलेशन विच यूजेज द रोड नेटवर्क। रोड नेटवर्क मतलब जो अलाइनमेंट होगा कि कितनी पॉपुलेशन है, ये आइडिया लगाते हैं हम रोड बनने से पहले, अलाइनमेंट का, है ना, कि कितनी पॉपुलेशन है जो यहां से रोड अगर बनेगा, ये वाला रोड बनेगा, है ना। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थी ना अलाइनमेंट, 1, 2 एंड 3 बोला था हमने, ऐसे कई ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम ये आइडिया लगाते हैं कि अगर पॉसिबिलिटी 1 को अगर लेकर चले, अलाइनमेंट 1 अगर जो पॉसिबल अलाइनमेंट है वहां से रोड बन रहा है तो कितनी पॉपुलेशन उसको यूज करेगी। सेकेंड अगर ऑप्शन जो हमने चूज किया, वहां से रोड बनाया तो कितना पॉपुलेशन उसको यूज कर सकती है, मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन उसको यूज कर सकती है। तो पहला फैक्टर तो ये कंसिडर किया, पॉपुलेशन विच यूजेज द अलाइनमेंट या रोड नेटवर्क बोल सकते हो, है ना। सेकेंड प्रोडक्टिविटी, अब जो पॉपुलेशन है वो तो यूज करती है ना रोड नेटवर्क को, लेकिन साथ में क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, प्रोडक्शन भी दो टाइप का हो सकता है, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। उस जो भी गुड्स है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसको भी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, बस में आ रही है, तो उसके लिए भी रोड नेटवर्क चाहिए हमें, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इससे इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या एग्रीकल्चरल, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट बताइए, कमेंट करके बताइए ये पॉइंट्स क्लियर है। ओके, अब ये मेथड समझ लीजिए कि कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा अलाइनमेंट सबसे ज्यादा मतलब यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो इसको बोर्ड पर देखना, पूरा समझना, बाद में एक साथ नोट कर लेंगे हम। ओके, रोड बननी थी, रोड बननी थी ए पॉइंट से सपोज बी पॉइंट तक, है ना, ए से बी तक रोड बननी थी। हमने हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये वाली है, अलाइनमेंट 1, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी सपोज ये वाली कि रोड यहाँ से बना सकते हैं, और तीसरी पॉसिबिलिटी सपोज ये वाली कि यहाँ से रोड बना सकते हैं। ये तीन पॉसिबिलिटीज है जो हमने मैप स्टडी में डिसाइड किया था, है ना, अलाइनमेंट 1, 2 एंड 3। सपोज रोड तो एक ही बनेगा, बस इतना पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक रोड बनेगा। ओके, तो यहाँ पर हम दो फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी। हम क्या करेंगे, एक सर्वे करेंगे, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ से ये वाला रोड बनता है अलाइनमेंट 1 वाला, तो हम ये सर्वे करेंगे कि इस पूरे रूट में कितने नंबर ऑफ टाउन्स और विलेजेज है ना। ऐसे पता लगा यहाँ पे एक बड़ा टाउन है पास में एकदम इसके, है ना, इस अलाइनमेंट के पास में, यहाँ पे कोई विलेज है छोटा, होता है ना कोई हाईवे जाता है उसके आसपास, उस रूट से हो सकता है बहुत सारे नंबर ऑफ विलेजेस और टाउन्स कनेक्टेड होते हैं। तो एक सर्वे करेंगे कि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ऐसे रोड जाता है अलाइनमेंट 1 के अलोंग अगर जाता है, तब उससे उसके आसपास कितने विलेजेस है, कितने टाउन्स है, कितनी सिटीज है, और उनकी पॉपुलेशन कितनी कितनी है, ठीक है। अलाइनमेंट 1 के लिए देख लेंगे कि टोटल पॉपुलेशन यहाँ से डायरेक्टली कनेक्टेड कितनी है, मतलब इस रूट के आसपास के विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, इन सबकी टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ये अलाइनमेंट 1 बोला मैंने, इसके लिए हमने बोला कि पॉपुलेशन अगर हमने देखा, सपोज इसके लिए पॉपुलेशन आ जाती है, सपोज 1 लाख मान लेते हैं ना, या इसकी पॉपुलेशन मान लो 80,000 मान लो, ऐसा ये सर्वे कर लिया, ठीक है। सेम चीज हम करेंगे जितने भी ऑप्शंस होंगे उनके लिए, पता लगा जो अलाइनमेंट 2 है उसके आसपास जो विलेजेस, टाउन्स, सिटीज है, उनकी पॉपुलेशन टोटल मिला के 70,000 है सपोज, इसमें इंजीनियरिंग सर्वे कहाँ काम आ रहा है आप मुझे ये बता दीजिए। हमें केवल क्या करना पड़ रहा है कि हमें ये डेटा कहीं से, गवर्नमेंट से हमें डेटा लेना पड़ रहा है कि हाँ इस एरिया में कितनी कितनी पॉपुलेशन रहती है, वो डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ रहा है, कितने टाउन से, सारा ऑफिशियल डेटा गवर्नमेंट के पास होता है कि कितने कौन कौन से टाउन से आसपास इस रूट में, इस एरिया में उनकी पॉपुलेशन कितनी कितनी, वो आइडिया होता है।
उसमें टेक्निकल वर्क कहाँ काम आ गया मुझे बता दीजिए। तीसरा जो अलाइनमेंट है, इसके लिए हमने सेम चीज की है ना, पॉपुलेशन वगैरह का डेटा जुटाया हमने कि इसके इस रूट के जस्ट आसपास के विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन कितनी कितनी है, तो इसके इससे डायरेक्टली कनेक्टेड पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो सपोज पता लगा कि 90,000 इतना पॉपुलेशन है, ये मैं आपको समझाने के लिए डेटा ले रहा हूँ, ये है ना रेंडमली कुछ भी। ये तीन ही अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट 1, 2 और 3, इनके लिए पॉपुलेशन का डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, फाइन। अब क्या करेंगे कि पॉपुलेशन के बेसिस पर कुछ हम पॉपुलेशन यूनिट्स इनको प्रोवाइड कर देंगे, पॉपुलेशन यूनिट्स प्रोवाइड कर देंगे। पॉपुलेशन यूनिट्स मतलब मान लिया, रेंडमली मान लिया हमने, क्या मान लिया कि सपोज ऐसा माना, सपोज 10,000 पॉपुलेशन जो है, या 1,000 पॉपुलेशन जो है, 1,000 पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1 पॉपुलेशन यूनिट, ऐसा रेंडमली कुछ भी मान लो, है ना, 1,000 लोग बराबर 1 यूनिट, कौन सा पॉपुलेशन यूनिट बोलना चाहिए मुझे, ऐसा मान लिया, ठीक है। तो इस लॉजिक से अलाइनमेंट 1 जिसकी पॉपुलेशन थी, डायरेक्टली कनेक्टेड पॉपुलेशन थी 80,000, इसके लिए टोटल पॉपुलेशन यूनिट कितना हो गया, 1,000 लोग बराबर 1 पॉपुलेशन यूनिट बोला, 80,000 लोग बराबर मतलब कितना बताओ, 80 पॉपुलेशन यूनिट हो गई है, ठीक है, ये पॉपुलेशन यूनिट लिख रहा हूँ। ऐसे ही 1,000 लोगों को हमने 1 पॉपुलेशन यूनिट के बराबर माना, तो अलाइनमेंट 2 की पॉपुलेशन 70,000 थी, इसके लिए पॉपुलेशन यूनिट 70 हो गई। अलाइनमेंट 3 के लिए पॉपुलेशन थी 90,000, तो इसके लिए पॉपुलेशन यूनिट हो गई 90, फाइन। फिर हमने क्या किया हमने एक और सर्वे किया क्या सर्वे किया कि इन अलाइनमेंट्स के लिए अगर मान लीजिए यहां से रोड बनता है ना, जैसे ये वाला तीसरा वाला बता रहा हूं, तो इसके आसपास कितनी इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है टोटल बाय वेट हम देखेंगे, समझ रहे हो, जैसे पॉपुलेशन का डेटाबेस कलेक्ट किया ना, वैसे हम घूम फिर के वो सारा डेटा निकालेंगे रफली कि अगर यहां से रोड पास होता है तो इसके आसपास कितनी इंडस्ट्रीज है, कितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, तो टोटल कितना टन सामान यहाँ पर डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जाएगा तो बाई रोड से ही। तो वो सर्वे हमने किया, तो पता लगा कि अलाइनमेंट 1 के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सपोज मान लीजिए कि 20,000 टन हो रहा है, एक महीने का ले लो, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का ये हम काउंट कर लेते हैं। सपोज अलाइनमेंट 2 के लिए जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सपोज 15,000 टन हो रहा है, ओके, और अलाइनमेंट 3 के लिए जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज सपोज इक्वल टू कितना, इसको मान लेते हैं सपोज 10,000 टन, इतना प्रोडक्शन हो रहा है सपोज एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन 1 मंथ ले लेते हैं इसमें, कि एक महीने में इस रूट से लगभग इतना सामान ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इज इट क्लियर और नोट। ये वाला सर्वे किया है ना, तो ये प्रोडक्शन वाला फैक्टर हमने कंसिडर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि कुछ इनको प्रोडक्टिविटी यूनिट्स प्रोवाइड कर देंगे, है ना, प्रोडक्टिविटी यूनिट किसे बोलेंगे, जैसे पॉपुलेशन को कन्वर्ट किया था ना किसी डिजिट में, वैसे ही हमने रेंडमली बोल दिया सपोज 1,000 टन्स, कुछ भी ले सकते हो, है ना, मैंने 1,000 टन्स को बराबर मान लिया सपोज 1 यूनिट, और अब जो ये यूनिट है ना इनको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी यूनिट, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी यूनिट। सो सपोज 1,000 टन्स इज इक्वल टू 1 प्रोडक्टिविटी यूनिट। इस लॉजिक से अलाइनमेंट 1 के लिए प्रोडक्टिविटी यूनिट कितना हो गया, 20,000 टन्स इसके लिए प्रोडक्शन था, तो 1,000 टन को हमने बोला 1 प्रोडक्टिविटी यूनिट, मतलब 20 यूनिट्स हो गई, इज इट क्लियर और नॉट, बताइए होगा या नहीं होगा, ओके। ऐसी अलाइनमेंट 2 के लिए कितना यूनिट्स हो गया, 15,000 टन था तो 15 यूनिट हो गया, 15 प्रोडक्टिविटी यूनिट्स हो गया, ऐसा मुझे बोलना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि तीसरे के लिए 10 टन्स हो गया, 10,000 टन इसके लिए टोटल प्रोडक्शन था, तो इसके लिए प्रोडक्टिविटी यूनिट 10 टन्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम टोटल यूनिट्स देखेंगे हर एक अलाइनमेंट के लिए कितना हो गया, ठीक है, हर एक अलाइनमेंट के लिए हम देखेंगे टोटल यूनिट कितना हो गया,
टोटल यूनिट क्या होगा, इन दोनों यूनिट्स का मतलब पॉपुलेशन यूनिट और प्रोडक्टिविटी यूनिट का सम होगा, है ना, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, तो वो टोटल यूनिट हो जाएगा। तो अलाइनमेंट वन के लिए पॉपुलेशन यूनिट तो कितना था, 80 था, और प्रोडक्टिविटी यूनिट कितना था, 20 था, तो टोटल यूनिट कितना हो गया, 100 हो गया। इसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी यूनिट्स, है ना, इसको हम बोलेंगे जो दोनों को ऐड करके मिल रहा है ना उसको टोटल यूटिलिटी यूनिट्स बोलेंगे, विच इज इक्वल टू द पॉपुलेशन यूनिट प्लस प्रोडक्टिविटी यूनिट, इज इट क्लियर। सेकेंड अलाइनमेंट के लिए पॉपुलेशन यूनिट कितना था, 70 था, 70 प्लस सेकेंड अलाइनमेंट के लिए प्रोडक्टिविटी यूनिट कितना, 15, तो इसके लिए टोटल यूटिलिटी यूनिट कितना, 85 हो गया। तीसरा अलाइनमेंट थ्री के लिए पॉपुलेशन यूनिट कितना, 90, और प्रोडक्टिविटी यूनिट कितना, 10, तो इसके लिए कितना हो गया, सपोज 100 टोटल यूनिट्स हो गया इसका, है ना, ये टोटल यूटिलिटी यूनिट्स हो गया। अब एक आइडिया हमें ये भी होगा कि अगर रोड यहाँ से बनेगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, जैसे ये रोड बन रहा था, सपोज ये अलाइनमेंट वन था, इसकी लेंथ मान लीजिए कि सपोज मान सकते हैं इसको, सपोज कि इसकी लेंथ है 50 किलोमीटर का स्ट्रेच चाहिए, है ना, 50 किलोमीटर की रोड है, मान लीजिए मैं डेटा ले रहा हूँ रेंडमली, अलाइनमेंट टू बन रहा है वो सपोज 40 किलोमीटर का रोड है, ठीक है, और अलाइनमेंट थ्री जो बन रहा है ये पता लग रहा है कि 80 किलोमीटर का रोड है, है ना, अगर ये रोड बनेगा तो 80 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी। तो अब हम क्या करेंगे, जो भी ये पूरा एनालिसिस किया इससे हम टोटल यूटिलिटी यूनिट्स पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, पहली लाइन वो लिखवाई थी मैंने, ये हम देख लेंगे हर एक अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। तो पहले अलाइनमेंट के लिए टोटल यूनिट्स कितना था, 100 था, और लेंथ कितना माना इसका देख लो, टोटल यूनिट्स कितना पहले अलाइनमेंट के लिए कितना, 100, लेंथ कितना, 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर ये रहा, ये डेटा हमने निकाल दिया। सेकंड अलाइनमेंट के लिए टोटल यूनिट्स पर यूनिट लेंथ वो हमें देखना है, टोटल यूनिट सेकंड के लिए कितना, 85, लेंथ कितना, 40 किलोमीटर, 85/40, ये हमने देख लिया कितना आ रहा है, ओके। और तीसरा अलाइनमेंट के लिए टोटल यूनिट तो सेम ही था पहले वाले के बराबर, लेकिन इसका लेंथ कितना था, इसका लेंथ था 80 किलोमीटर, है ना, यूनिट्स कितना, 100, तो ये 80, ओके। तो यहाँ पे देखो ये डेटा हर एक अलाइनमेंट के लिए कितना कितना आ रहा है, कंपेयर करो, ये पहले के लिए आ रहा है 2, इसके लिए आ रहा है 2 point something, है ना, 2.1 कितना बताओ, कितना आ रही है, 1 to something जो भी आ रहा है ना, और ये देख लीजिए कितना आ रहा है, 1.25 आ रहा है ऐसा। तो हमने यहां से देखा कि पर यूनिट लेंथ के लिए टोटल यूटिलिटी यूनिट्स किस किस ज्यादा है, मैक्सिमम किसकी, अलाइनमेंट वन की, इसका मीनिंग ये निकलता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किसका होगा, अलाइनमेंट वन का होगा, इट मींस इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट अलाइनमेंट हो गया, इज इट क्लियर और नॉट, ये नोट नहीं करना, ये समझाने के लिए मैंने बताया, नोट में लैंग्वेज में करवाऊंगा केवल आपको ये रिलेट करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सारा बताया था डेटा लेके। अब बताइए सभी को क्लियर है ये, मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, ये 2 का आ रहा है ना, मैक्सिमम 2 का आ रहा है, जो भी मैक्सिमम होगा वो लेंगे, ये वाला मैक्सिमम आ रहा है अलाइनमेंट 2 के लिए, ये पैरामीटर जिसके लिए भी मैक्सिमम होगा यहां पर देखिए कि जिसके लिए भी ये पैरामीटर मैक्सिमम होगा, कौन सा पैरामीटर, टोटल यूटिलिटी यूनिट्स पर यूनिट लेंथ मैक्सिमम होगा, इसका मीनिंग ये निकलेगा कि इसका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होगा, है ना, तो वो बेस्ट अलाइनमेंट हो गया, तो इसको हम चूज कर लेंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स में यही हम लेकर चलते हैं। किसी को डाउट हो तो बताइए इसमें, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, अगर कोई डाउट हो देन क्लियर कीजिए, ओके वेरी गुड। तो ये समझाने के लिए बताया था, इसको कोई नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जिनको लगता है ना वो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका
ओके तो यहां से मैं लिख देता हूं कुछ पॉइंट्स हम बोल चुके थे। पर्पस बोला था कि इस सिस्टम में यूटिलिटी ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ रोड इज डिटरमाइंड, वही क्या था ना हमने एग्जांपल से देखा। ठीक है ओके नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रोसीजर जो था इसको मैं लिखता हूं स्टेप में है ना, द रोड ऑफ या अलाइनमेंट बोल सकते हैं, द रोड ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी इज डिटरमाइंड एज फॉलोइंग। पहली स्टेप पॉपुलेशन यूनिट, ये प्रोवाइड की थी हमने हर एक अलाइनमेंट को। ठीक है तो इसमें हम बोल सकते हैं ईच पॉसिबल अलाइनमेंट, मतलब जितने भी ऑप्शन हमारे पास थे, ईच पॉसिबल अलाइनमेंट इज गिवन सम पॉपुलेशन यूनिट्स एज पर डायरेक्टली कनेक्टेड पॉपुलेशन। हर एक अलाइनमेंट के आसपास के विलेजेस टाउन सिटीज में जितनी पॉपुलेशन थी वो डेटा कलेक्ट किया, उसके बेसिस पर हमने कुछ पॉपुलेशन यूनिट्स प्रोवाइड कर दी थी। पहला स्टेप यही बोला। ठीक है नोट कीजिए इसे, समय वो सम पॉपुलेशन यूनिट्स, यार कॉमन सेंस तो यूज करो इतना सा। ओके इसके बाद सेकंड स्टेप नोट किया सभी ने, ये है ना, नहीं किया हो तो जल्दी कीजिए। ओके सेकंड स्टेप हमने क्या बोली थी, स्टेप टू कुछ यूनिट्स हमने प्रोवाइड की थी जिसको प्रोडक्टिविटी यूनिट बोला था, उसमें हमने दो फैक्टर्स कंसिडर किए थे, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल, जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसको। सेकेंड हम बोलेंगे हेडिंग समझाने के लिए बोल सकता हूँ प्रोडक्टिविटी यूनिट, ये हमने प्रोवाइड किया था प्रोडक्टिविटी यूनिट। ओके तो बोल सकते ईच अलाइनमेंट इज गिवन प्रोडक्टिविटी यूनिट्स। ओके कंसिडरिंग द इंडस्ट्रियल एंड
एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। ओके, ऐसा किया था हमने। और स्टेप तीन क्या थी, टोटल यूनिट्स हमने कैलकुलेट की थी, इसको हमने बोला था टोटल यूटिलिटी यूनिट्स। ठीक है, तो हम बोल सकते कैलकुलेट द टोटल यूटिलिटी यूनिट फॉर ईच पॉसिबल अलाइनमेंट। और कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोल सकते टोटल यूटिलिटी यूनिट जो है दैट इज इक्वल टू पॉपुलेशन यूनिट प्लस प्रोडक्टिविटी यूनिट। फाइन, कोई डाउट तो पूछिएगा, नोट कीजिए यहां तक। ओके, तो यही स्टेप्स हमने डिस्कस की थी। इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि कौन सा अलाइनमेंट हम चूज करते हैं, द अलाइनमेंट हैविंग द मैक्सिमम यूटिलिटी यूनिट्स पर यूनिट लेंथ इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो अगर यूटिलाइजेशन के बेसिस पर हमें चूज करना है बेस्ट अलाइनमेंट, तो ये यही चूज करेंगे जिसके लिए फैक्टर मैक्सिमम होगा, है ना। एक पॉइंट और बोल सकते हैं, पूछता है ये पर्पज है ना, तो हम बोल सकते हैं सैचुरेशन सिस्टम का पर्पज क्या हुआ कि जो भी प्रपोज्ड अलाइनमेंट्स है ना उनमें से बेस्ट अलाइनमेंट चूज करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, ये इसका पर्पज हो गया। तो बोल सकते हैं सैचुरेशन सिस्टम, ठीक है, एक स्टार लगा लेना इसको, ये क्वेश्चन बनता है, इज यूज्ड टू चूज द बेस्ट अलाइनमेंट
among all the proposed alignments. Fine. ओके, नोट किया सभी ने? बताइए ओके अब मेरे क्वेश्चन का आंसर करना। अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछा जाए कि जो यूटिलिटी यूनिट्स है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यूटिलिटी यूनिट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, बताइए। ये पूरा एनालिसिस आपके समझ में आया तो आप बता दीजिए कि यूटिलिटी यूनिट्स कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। पॉपुलेशन पर, ठीक है। प्रोडक्शन पर, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसके लिए टोटल यूटिलिटी यूनिट्स बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उस केस में भी यूटिलिटी यूनिट्स बढ़ेगी। और कोई तीसरा फैक्टर? लेंथ ऑफ रोड पर, यही मैं सुनना चाह रहा था, लेंथ ऑफ रोड पर भी डिपेंड करेगा। एक सिंपल सा कॉमन सेंस है, देखो मिटा दिया गया मैंने, देखो यह हमारा ए से बी तक रोड बनना था। अब मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं रोड ऐसे बना दूं, है ना, और दूसरा यह कि मैं ऐसे घुमा फिरा के रोड, बहुत लंबा रोड बना दिया। तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकल सी बात है, अगर लेंथ ऑफ रोड ज्यादा होगा ना तो इससे कनेक्टेड पॉपुलेशन, है ना, कनेक्टेड जो प्रोडक्शन होगा वो सब ज्यादा होगा, तो इसकी यूटिलिटी यूनिट्स भी जनरली ज्यादा ही होगी। ये बात समझ आती है? यहाँ पे तो ठीक है, इतना सा रोड बना दिया, इसकी लेंथ कम है, लेंथ कम है तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए यूटिलिटी यूनिट्स कम होगी। जनरली ऐसा होता है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं लेकिन जनरली ऐसा होता है ना। बहुत लंबा अगर रोड बना दिया तो उस केस में कनेक्टेड पॉपुलेशन, कनेक्टेड जो प्रोडक्शन है वो सब कुछ ज्यादा होगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो लेंथ पर भी यूटिलिटी यूनिट से डिपेंड करती है, ठीक है। तो नोट बोल सकते हैं कि नोट में डालना है इसको, यूटिलिटी यूनिट्स डिपेंड ऑन, एक हम बोल सकते हैं हो गया लेंथ ऑफ रोड, अलाइनमेंट बोल दो एक ही बात है, दूसरा पॉपुलेशन कनेक्टेड टू दी अलाइनमेंट, और तीसरा प्रोडक्शन विच इज कनेक्टेड टू द अलाइनमेंट।
मनमोहन, मैंने जो समझा है ना, सिंपल सी बात थी कि जिसके लिए पॉपुलेशन ज़्यादा थी उसके लिए पॉपुलेशन यूनिट ज़्यादा थी, है ना। प्रोडक्शन जिसके लिए ज़्यादा था उसके लिए प्रोडक्टिविटी यूनिट ज़्यादा थी, तो टोटल यूनिट ज़्यादा हो जाएगी। मैंने लास्ट में ये बोला था कि मैक्सिमम यूटिलिटी, ऐसा बोला था मैंने, है ना, टोटल यूटिलिटी यूनिट्स पर यूनिट लेंथ, ये फैक्टर जिसके लिए मैक्सिमम होगा ना वो सबसे बेस्ट अलाइनमेंट होगा, मैंने ये बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि जिसके लिए टोटल यूनिट्स ज़्यादा होगी वो बेस्ट होगा, मैंने टोटल यूनिट्स की बात नहीं की, समझ रहा हूँ, मैंने टोटल यूनिट्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड की बात की है। ऐसा तो बहुत लंबा रोड बना दो, बहुत लंबा घुमा फिरा के बना दो, तो यूटिलिटी यूनिट्स तो बढ़ेगी उसकी, इसीलिए हम ये फैक्टर कंसिडर करते हैं, यूटिलिटी यूनिट्स पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, ठीक है, है ना। एक जो एग्जाम्पल लिया था उसमें दो केसेस में टोटल यूनिट्स सेम आ रही थी, लेकिन एक है ना सेम आ रही थी लेकिन पर यूनिट लेंथ के लिए देखा ना तो वो डिफरेंट हो गया था। ये नोट करो, ये प्रोडक्शन भी दो टाइप का है, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इन सब पे डिपेंड करेगा। ये नोट कर लो पहले, यूटिलिटी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। वैभव इतनी देर से हम क्या डिस्कस कर रहे थे, है ना, आपने क्लास अटेंड नहीं किया अभी, आप अभी आए हो जस्ट, इतनी देर से हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, लास्ट के 20-25 मिनट से यही तो डिस्कस कर रहे थे, यूटिलिटी यूनिट्स कैसे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो जो क्लास मिस करें ना तो फिर बाद में वीडियो पूरा देख लिया करो, है ना, नेचुरल सी बात है, आपने क्लास मिस की है ना या लेट आए तो आपको कहाँ से समझ में आएगा, तो वीडियो बाद में पूरा देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक और टॉपिक है, ये बहुत छोटा चैप्टर था, है ना, बहुत छोटा सा चैप्टर ये है, इसमें लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हेडिंग लिखना ड्राइंग्स एंड रिपोर्ट्स। ड्राइंग्स एंड रिपोर्ट्स, ओके। तो ये जो प्रोजेक्ट है ना, रोड कंस्ट्रक्शन है ना, जो ये पूरा हम अलाइनमेंट डिसाइड करते हैं वो सारा, इन सब में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मैप्स हम तैयार करते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चन है कि कौन कौन सा मैप यहाँ पर हम बनाते हैं, कौन कौन सा रिपोर्ट्स हम यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, तो कुछ इनमें से पूछ लेता है। तो पहला जो है लिखना की मैप, पहला जो है की मैप हेडिंग लिखना, और ये इम्पोर्टेंट भी है ना, की मैप को पूछा जाता है एग्जाम्स में, दो तीन पर ही फोकस होता है, वो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। पहला लिखना की मैप, इस मैप में क्या होता है कि जो प्रपोज्ड अलाइनमेंट से वो जो एग्जिस्टिंग रोड है वो है ना, और जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है जिनको कनेक्ट करना है वो सारी इसमें शो की होती है। तो शॉर्ट में हम लिखेंगे इट शोज द प्रपोज्ड एंड एग्जिस्टिंग रोड्स, विद द
the important locations to be connected, जिनको connect करना है वो locations भी show की होती है, ठीक है, ये important definition है. Okay, इसका map का size क्या होगा, size of plan जो है कोई hard and fast नहीं, लेकिन generally 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर से ज्यादा का साइज नहीं होता है इसका. फाइन, सेकंड जो होता है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स मैप. इंडेक्स मैप, ठीक है, इसको भी स्टार लगाना, ये भी पूछा जाता है, ये दो ही पूछे जाते हैं, है ना, बहुत सारे इसमें लेकिन पूछे दो ही जाते हैं. तो किसी एरिया की टोपोग्राफी मतलब बसावट कैसी वो शो करता है, इट शोज द टोपोग्राफी ऑफ एन एरिया. टोपोग्राफी समझते हो ना, किसी एरिया की बसावट कैसी है उसको हम बोलते हैं. फाइन, इसका जो साइज होता है दैट इज जनरली, है ना, हार्ड एंड फास्ट नहीं, लेकिन जनरली ऐसा होता है 30 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर इसका साइज होता है. हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत वेरिएशन होते हैं प्रैक्टिकली, टिपिकली बात कर रहे हैं हम जनरल केसेस में. हार्ड एंड फास्ट का मतलब ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा. फाइन, डन. तीसरा, तीसरा होता है प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान. It shows the details of various alternate alignments. है ना, प्रीलिमिनरी सर्वे में हमने क्या किया था, हर एक अलाइनमेंट कर लूंगा फील्ड, हमने क्या किया था, रफली कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह वो सारा करते हैं फील्ड में घूमकर, है ना, इसको फील्ड सर्वे भी बोल देते हैं, ठीक है. इस स्टेप में हमने क्या किया था, रफली कॉस्ट एस्टिमेट के लिए हमें फील्ड में घूमना पड़ेगा, समझ लो. तो वो सारा था, कुछ बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्वेइंग के वो हम लेकर जाते हैं फील्ड में, और रफली कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह वो सारा करते हैं, है ना. तो उनकी डिटेलिंग हम यहाँ पर शो करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे प्लान में. साइज की बात करें, इसका जो स्केल होगा 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, हम लेकर चलते हैं 1 किलोमीटर टू 25 किलोमीटर. फाइन, देन फोर्थ डिटेल्ड सर्वे प्लान.
इट शोज द ग्राउंड प्लान. ठीक है, ग्राउंड प्लान इसमें शो होगा, जिसमें अलाइनमेंट्स भी शो होंगे विद अलाइनमेंट. जो फाइनलाइज अलाइनमेंट है ना, उसकी बात कर रहे हैं. एक ही होगा ऐसा, एंड बाउंड्रीज. ठीक है, फोर्थ स्टेप थी ये डिटेल्ड सर्वे. हमने फोर्थ स्टेप पढ़ा था इंजीनियरिंग सर्वे की. इसमें हमने क्या किया था, जो अलाइनमेंट प्रिलिमिनरी सर्वे में फाइनलाइज हो गया था ना, जहां से रोड बनना था उसका डिटेल्ड सर्वे किया था, है ना. तो उसका सारा मैप होगा, उस फाइनलाइज्ड अलाइनमेंट जहां से रोड बन रहा है उसका सारा डिटेल हम यहाँ पर शो करेंगे. ठीक है, साइज की बात करें तो इसका जो साइज होगा, मैप का साइज की बात करें तो A2 साइज के पेपर पर हम इसका शो कर सकते हैं, या अप्रोक्स में 60 सेंटीमीटर बाई 40 सेंटीमीटर इतना ले सकते हैं. हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, ये सब अप्रोक्स है. ठीक है, अप्रोक्सीमेट है. चलिए नोट कीजिए यहां तक. फोर्टी टू है, 60 सेंटीमीटर बाई 42 सेंटीमीटर. A2 शीट का साइज ये होता है ना, आपका डिफरेंट साइज स्टैंडर्ड साइज वो पेपर्स का आती है. जैसे आप नॉर्मली जो प्रिंट आउट लेते हो वो A4 साइज होता है ना. A2 इससे बहुत बड़ा होता है A4 से. डन, यहां तक नोट किया सभी ने? ठीक है, नहीं किया तो बता देना. इसके बाद फिफ्थ स्टार्टिंग दो इंपॉर्टेंट है वो ही पूछते हैं, लेकिन हमें पढ़ना पूरा है. तो फिफ्थ लिखना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस. लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस इन सेक्शंस में क्या क्या शो होगा. इट शोज द डिटेल्स ऑफ एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस. एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ रोड. वर्टिकल प्रोफाइल मतलब उसमें एलिवेशन में क्या डिफरेंस है यार. आप मैप बनाओगे, प्लान मतलब मैप ही होता है ना. आप घर का आप देखना, कभी घर के कागजात देखना आपके डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें एक प्लान बना होता है. आप एक पेपर पे ही तो शो करोगे सारा सब कुछ, ड्राइंग्स वगैरह जो भी होगी. जो ड्रेनेज क्रॉसिंग्स वगैरह है उनकी भी डिटेल होगी इसमें.
सर बस आज के लिए इतना ही, अभी चैप्टर कंप्लीट होने वाला है ना, चैप्टर तो कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा कुछ बचा नहीं इसमें चैप्टर में, तो कंप्लीट करना होगा हमें, है ना। कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना फिर, क्या दिक्कत है। ओके डन। ओके कितने हो गए, 5 हो गए। छठा देखो, 6। पहले हमने पढ़ा था डिटेल्ड सर्वे प्लान। ओके अब 6 है डिटेल्ड सेक्शन। अब है ना, पहले प्लान था, प्लान मतलब टॉप व्यू था, सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, डिटेल्ड सेक्शंस। ठीक है, तो जो डिटेल्ड सर्वे किया उसमें उसके उसके बेसिस पर हम सेक्शंस वगैरह शो कर देते हैं। ओके तो इसमें इसका अगर हम साइज की बात करें तो जनरली ये होता है स्केल जो होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 to 2.5 मीटर। सेक्शन से समझ लो, क्रॉस सेक्शन से, है ना, ये जनरली हम लेते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शन कहाँ पर लेंगे, हर 100 मीटर की डिस्टेंस पर अलोंग दी रोड, है ना, जो अलाइनमेंट प्रपोज है ना, हर 100 मीटर पर हम सेक्शंस लेंगे। या इसके अलावा जहां पर एक सडनली कोई चेंज आ रहा है ना ग्रेडियंट में, स्लोप में, वहां भी कोई एकदम से सडन चेंज है वहां पर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे हर 100 मीटर के गैप पर, इंटरवल पर सेक्शन हम क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे। ओके ऑल्सो एट वेयर देर इज शार्प चेंज, या सडन चेंज बोल दो, या एब्रप्ट चेंज, वहां पर भी सेक्शन लेंगे। चेंज इन में मतलब ग्राउंड वैसे स्लोप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ ना, चेंज इन ग्राउंड लेवल बोल रहा हूँ मैं, चेंज इन ग्राउंड लेवल, स्लोप की बात कर रहा हूँ ग्रेडिएंट की। टू टू 2.5 मीटर है ये, 2 से 2.5 मीटर। ओके डन। और एक और होता है लास्ट, सेवंथ एक और है, क्या बोलते हैं इसको, लैंड एक्विजिशन प्लान। एक्विजिशन समझते हो ना, अधिग्रहण को बोलते हैं, भूमि अधिग्रहण, है ना, कई बार होता है ना कि खेतों वगैरह से, एग्रीकल्चरल लैंड से रोड पास हो रहा है तो वहां पर किसानों को कुछ हम कंपनसेशन देते हैं, किस बदले देते हैं, वो एक्वायर करते हैं उनका लैंड जो होता है, जमीन को अधिग्रहित करते हैं, एक्वायर करते हैं, है ना। तो ऐसी जो अब ऐसी जो प्रॉपर्टी है ना जिसको एक्वायर करना हो रहा है ना, जो गवर्नमेंट की नहीं है, उनका भी हम प्लान अलग से बनाएंगे फिर।
वेयर देर इज एब्रप्ट चेंज, एब्रप्ट मतलब तीव्र, अचानक से, है ना, एब्रप्ट चेंज इन लेवल, सतह में अचानक से परिवर्तन है। एब्रप्ट मतलब क्या होता है, रैपिड, है ना, रैपिड भी इससे बेटर वर्ड होगा, सडन चेंज। क्लियर, ओके। इसके बाद इसमें लिख लीजिए, इट शोज सर्वे डिटेल्स ऑफ एक्वायर्ड लैंड। ठीक है, अगर स्केल की बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, जनरली क्या लेकर चलते हैं, लेस देन इक्वल टू कितना, 40 मीटर, ये स्केल जनरली होता है। ओके, डन। तो ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। एक टॉपिक को लिखना, स्टेप्स इन ए न्यू हाईवे प्रोजेक्ट। नया हाईवे या नया रोड जब बनना होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होती है, स्टेप्स इन अ न्यू हाईवे प्रोजेक्ट। तो स्टेप्स कौन कौन सी है, चार तो वही है जो इंजीनियरिंग सर्वे में होती थी, मतलब पहली स्टेप होगी मैप स्टडी, दूसरा रिकनेसेंस या रिकनेसेंस सर्वे बोल दो, तीसरा स्टेप प्रीलिमिनरी सर्वे, फोर्थ स्टेप डिटेल्ड सर्वे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फिफ्थ वन होता है मटेरियल सर्वे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कहाँ से मटेरियल आएगा, कितना मटेरियल हमें रिक्वायर्ड होगा, वो सारा देख लेते हैं, है ना। सिक्स्थ जो है इसमें डिजाइन डिटेल्स ऑफ पेवमेंट लेयर्स फाउंडेशंस एटसेट्रा। पेवमेंट का मीनिंग हमें रोड से लेना है, जब भी टर्म यूज करेंगे ना पेवमेंट, उसका मतलब रोड से लेना है, है ना। तो जो रोड की, रोड में क्या होगा, अलग से चैप्टर है पूरा पेवमेंट डिजाइन, वहां पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ लेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं, है ना, 3 से 4 लेयर्स हम रोड में प्रोवाइड करते हैं, उनको कंबाइंडली हम पेवमेंट बोल देते हैं या रोड बोल देते हैं। पेवमेंट का मीनिंग रोड से लेना है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है ना पेवमेंट या रोड में, उनकी डिटेल्स भी हम तैयार करेंगे, फाउंडेशंस वगैरह जो है इनकी भी डिटेल्स हम तैयार करेंगे, मतलब उनकी ड्राइंग्स वगैरह, सेक्शंस वगैरह, वो सारा, ठीक है। तो ये सिक्स्थ स्टेप हो गई। सेवन्थ स्टेप अर्थवर्क। अर्थवर्क क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये हमारा रोड ऐसे था, कच्चा रोड ऐसे था, इस पर सड़क बनानी है, है ना, ऐसा मान के, ऐसा मानो कि ऐसा कुछ था ऐसा, और रोड बननी है इस लेवल पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे गड्ढा बना हुआ है, तो यहाँ पे मटेरियल हमें फिल करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा ये मटेरियल, तो इसको कटिंग करनी पड़ेगी, इस मटेरियल की कटिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पर मटेरियल की फिलिंग करनी पड़ेगी,
है ना। तो ये कटिंग फिलिंग का जो काम होता है इसको हम बोलते अर्थवर्क, ठीक है, इसी को हम बोलते अर्थवर्क। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लेवल कर देंगे उसको पूरे को कटिंग फिलिंग करके, और इसके बाद हम रोड कंस्ट्रक्ट कर देंगे। तो हम बोलेंगे रोड कंस्ट्रक्शन या पेवमेंट कंस्ट्रक्शन। और जब रोड कंस्ट्रक्शन होगा ये सब कुछ काम चलेगा, तो साथ में हमें क्वालिटी को भी बार बार चेक करना होता है टेस्टिंग करके। तो इस स्टेप को हम साथ में बोल सकते हैं, ये साइमल्टेनियसली चलेगा, इसको हम बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल। फाइन, ओके, नोट किया सभी ने? तो ये चैप्टर कंप्लीट है, और हर चैप्टर के लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स लिखते हैं, वो लिखना स्पेशल नोट्स, उनको हम बोलते हैं स्पेशल नोट्स। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें अल्टरनेट रूट्स फॉर हाईवे प्रोजेक्ट। इज सजेस्टेड बाय स्टडी ऑफ टोपोग्राफिक मैप। भाई मैप पर ही तो हम सबसे पहले मार्किंग करते हैं अलाइनमेंट किया जो भी रूट होगा, है ना, मैप पर ही तो मार्किंग करते हैं। और जिस एरिया में रोड बनना होता है उसका मैप हम ले लेते हैं, उसी को हम टॉपोग्राफिकल मैप बोलते हैं, है ना। तो टॉपोग्राफिकल मैप जो उस एरिया का मैप होगा जिस एरिया में रोड बननी है, ठीक है, तो उसी पर हम क्या करेंगे अल्टरनेट रूट्स शो कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट कोई अगर बहुत बड़ा एरिया होगा, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया होगा तो उसका फील्ड में घूमकर हमें सर्वे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, समझ रहा हूँ। मान लीजिए कि बहुत बड़ा कोई एरिया है या कोई बहुत डेंस जंगल है ना, बहुत डेंस कोई जंगल है, तो वहां पर प्रैक्टिकली अगर हम सोचे तो घूम फिर कर वापस सर्वे करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो ऐसे एरियाज में हम एरियल सर्वे करते हैं, हवाई जहाज से वापस हम सर्वे करेंगे। बहुत बड़ी अगर कोई डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, और या फिर कोई जंगल वगैरह है, तो वापस बेटर क्या होगा एरियल सर्वे है, लेकिन वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं एरियल सर्वे इज मोस्ट सुटेबल If the area is vast, vast मतलब विशाल, बहुत ज्यादा है ना, बहुत बड़ा एरिया है जिसको हमें सर्वे करना है, तो फिर प्रैक्टिकली बहुत टाइम लगेगा उसमें, बहुत हैक्टिक होगा वो, तो उससे बढ़िया एरियल सर्वे कर लेते हैं। इज वास्ट, ओके, ऑल्सो इन फॉरेस्ट, या ऐसा हमें बोलना चाहिए ऑल्सो फॉर सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रीजन्स द
द एरियल सर्वे मे बी डन। ओके तो ये सेकंड चैप्टर था, बहुत छोटा चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वील स्टार्ट डिस्कसिंग दी ज्योमेट्रिक डिजाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे सिलेबस का हाईवे में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन सब कुछ हो उसमें, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको अगर कॉन्सेप्ट पर आप थोड़ा फोकस करते हो, क्योंकि अभी तक तो बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, लेकिन जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो कोशिश करना मिस ना हो। हाँ, नंबर ले लीजिए आप, जो भी डाउट्स आप या फिर व्हाट्सअप कर देना, और थोड़ा पेशेंस भी रखना, क्योंकि जब मेरी क्लासेज होती है तो फोन साइलेंट होता है ना। जब भी क्लासेज होती है, क्लासेज से फ्री होकर ही मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगा। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।